नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर यूपी पीसीएस 2021 का फाउंडेशन बैच लेके। अभी आशीष सर ने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग एक फाउंडेशन बैच निकाल रहे हैं जो पूरे के पूरे 9 महीने के लिए है। 5 महीने आपका फाउंडेशन पे वर्क किया जाएगा और अंतिम के 4 महीने आपका 2021 के प्री के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी की पूरी टीम फोकस रहेगी, ताकि आपका ये साल आपके लिए हो, जो आपका एक सपना है, एक जो परम गोल होता है, अल्टीमेट गोल होता है आप लोगों का। माँ बाप हमेशा बोलते रहते हैं कि बेटा मेरा डीएम बनेगा, एसडीएम बनेगा, तो वो जो एक सपना आपको माँ बाप ने दिखाया था, आपके अंदर जो एक इच्छा जगी थी, एक जो चाहत जगी थी एक अधिकारी बनने की, उस सपने को साकार करने के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत ही मेहनत लेके, बहुत ही निरंतर तरीके से आपके साथ आपके सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो इसी कड़ी को हम आज शुरू करते हुए बहुत ही इत्मीनान तरीके से ज्योग्राफी की क्लास जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, पूरा ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगा आपको। हिस्ट्री आपका आशीष सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा ही रहे हैं, आपने पहली क्लास डेमो उनकी देख भी ली होगी और बहुत ही आपको उम्मीद है मज़ा भी आया होगा, और कहीं ना कहीं जो आपके रिस्पॉन्सेस मिले हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक है और हमें प्रेरित करते हैं कि हम और भी आपके लिए अपनी पूरी मेहनत रख दें। ऐसे ही रमन सर जो आपके चहेते हमेशा आएंगे और आपके लिए राजनीति शास्त्र या ऐसा बोले राज्य व्यवस्था जो आपके प्री पे है ना, बहुत जबरदस्त प्री में से एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन फाउंडेशन जिसे बोलते हैं ना कि एक एक ईंट रख के आपके बेस को बनाना, आपको निचोड़ के रख देना कि कैसे आपकी एक सोच डेवलप होनी चाहिए, कैसे आपके दिमाग की एक परिपक्वता होनी चाहिए कि नहीं पेपर जो हम देने जा रहे हैं उस पेपर में पूछने प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का स्तर ये होगा, हमारे सोचने का तरीका ये होना चाहिए, हमारे करने का तरीका ये होना चाहिए। इन सारी तरीकों का बहुत ही अच्छा मिश्रण आपके सामने टीम परीक्षा प्लस जैसे हमेशा लेते आई है हमेशा फिर से प्रस्तुत करेगी इस पूरे प्रोग्राम में, ताकि आपका जो एक अल्टीमेट गोल है अधिकारी बनने का वो आप बहुत ही विधिवत तरीके से बन पाए। तो अभी आज के क्लास में जैसे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और फाउंडेशन बैच है तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट से लेके चलूंगा। अब फाउंडेशन का मतलब जो मैं आज आपको चैप्टर कवर करूंगा, पहली बात तो जैसे दिमाग में जब भी फाउंडेशन आता है तो दिमाग में पहली बात आती है कि एनसीईआरटी है ना, और जाहिर सी बात है एनसीईआरटी हमारा कहीं ना कहीं फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन ना होता तो आपके स्कूलों में वो किताब ना होती कि भाई इतने दिमागी लोग, इतने पढ़े लिखे लोग जिन्हें बोल सकते हैं कि हाँ उस विषय के विशेषज्ञ हैं, वो आपके लिए एक किताब लिखे हैं, ताकि बच्चा 10वीं में हो, बच्चा 11वीं में हो, बच्चा 12वीं में हो, बच्चा 8वीं 9वीं में हो, अलग अलग क्लास में अलग अलग एक विषय है और उस सब्जेक्ट को कैसे प्रस्तुत करना है, कैसे आपके दिमाग को, कैसे आपके समझ को डेवलप करना है, वो विषय विशेषज्ञ आपको प्रस्तुत करते हैं। और जैसे सी बात है अब उन्होंने इतने तरीके से रख दिया तो हमें समझना चाहिए कि फाउंडेशन हमारा एनसीईआरटी है। तो पूरी क्लास जब हम जब फाउंडेशन की बात करेंगे तो दिमाग में आएगा कि जो एनसीईआरटी है हम एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं, साथ में जो आपको एक्स्ट्रा इधर उधर जानना चाहिए वो भी आप बहुत अच्छे से जान जाओगे। तो अभी हम लोग एक बार शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के हम पहले चैप्टर की बात करेंगे और ये चैप्टर कायदे से जो मैं आपको पहले सेशन लेके आया हूँ, अगर इसे बहुत अच्छी तरीके से देखा जाए तो आपका एनसीईआरटी के क्लास 11 का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी के क्लास 11 का दूसरा चैप्टर और एनसीईआरटी के ही क्लास 12 का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का, इन तीनों का बहुत ही अच्छा मिश्रण है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो बच्चे अभी भी इच्छुक हैं कि फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लें, एक अपना जो गोल है, अल्टीमेट गोल है, जो ड्रीम है उसे साकार करना चाह रहे हैं, अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत ही कम फीस है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत इसमें होनी है बहुत ही फंडामेंटल तरीके से। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास ज्योग्राफी की। अभी ये देख लें, ये आपका पूरा फाउंडेशन बैच का है, इसमें वीडियो क्लासेस, आंसर राइटिंग और क्विज, विषयवार साप्ताहिक विश्लेषण, एनसीईआरटी आधारित कक्षाएं एवं नोट्स,
पीसीएस पी 2021 हेतु विशेष कक्षाएं और सभी विषय के शॉर्ट नोट्स जो आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे, इसके साथ ही व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं समस्या समाधान सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। कोर्स की अवधि 9 महीने है और रजिस्ट्रेशन आपका 12 तारीख से ही प्रारंभ हो चुका है, तो आप इसमें लेट ना करें, एडमिशन ले लें। चलिए सबसे पहले हम आते हैं ज्योग्राफी की, और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम भूगोल विषय की बात करें, मैं आपको बता दूं ये कक्षाएं बाइलिंगुअल चलेंगी, इंग्लिश के भी और हिंदी में भी, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे जुड़ रहे हैं वो दोनों ही भाषाओं से जुड़ रहे हैं, तो क्लास जो होगी एटलीस्ट हम आपको दोनों भाषाओं में देने की कोशिश करेंगे, तो एक सामंजस्य, एक कोऑपरेशन, एक दिमाग की मैच्योरिटी बना के आपको भी बहुत अच्छे से चलना है, ठीक है। तो चलिए अभी ज्योग्राफी की बात करें, तो जो पहला चैप्टर है, जब आप एनसीईआरटी का क्लास 11th का पहला चैप्टर ओपन करोगे, मैं सारी बात बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, रेफरेंस बुक्स क्या होनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक बार क्लास को स्टार्ट हो जाते हैं, कर देते हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज को कवर करेंगे। तो जैसे ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है ना, भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम भूगोल पढ़े क्यों, तो इसका प्रश्न एक अलग अलग डायमेंशन पे, हम भूगोल पढ़े क्यों। एक तो होता है जब आप स्कूल में हो, आपसे कोई ये प्रश्न पूछे भूगोल क्यों पढ़े, तो ठीक है, एक सिंपल सी बात है कि हमें जानकारी होनी चाहिए किसकी, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी के बारे में हमें जानना चाहिए, तो जो हमारा भू है, जो हमारी पृथ्वी है, इसके बारे में जो जानकारी है, यही आपका भूगोल कहता है। लेकिन जब आप एक ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो आपके सिविल सेवा क्षेत्र से बिलोंग कर रहा है, जो आपका जहां पे प्रश्नों की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, जहां पे आपको उसके डिटेल नॉलेज की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, वहां पे इस प्रश्न का उत्तर बदल जाता है, और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में पहल उसका आंसर ये होता है, हम ज्योग्राफी क्यों पढ़े, क्योंकि भाई हमारे सब्जेक्ट में है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है, और ऐसे नहीं, बहुत ही विधिवत तरीके से पूछा जाता है। एक समय हुआ करता था, जैसे हम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 2021 की, अभी हम यूपीएससी की बात नहीं करेंगे, केवल पीसीएस फोकस्ड है, तो पीसीएस की बात करेंगे, और इसमें पूछे गए प्रश्नों के आधार को देखेंगे, कैसा प्रश्न पूछा जाता है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक समय होता था जब ज्योग्राफी का 20-21 क्वेश्चन होते थे, लेकिन जब से आपका ACF RFO इंक्लूड हो गया है PCS में, ही एक ही परीक्षा उसकी होती थी, पहले अलग अलग परीक्षा होती थी, तब से आपके भूगोल का वेटेज बढ़ गया। कैसे, क्योंकि भूगोल को अभी मैं आगे बताऊंगा, भूगोल जो है वो पूरा आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, एक आपके फिजिकल ज्योग्राफी डिवाइड है, ठीक है, एक आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है जिसमें आपकी इकोनॉमिक है ना, आर्थिक गतिविधियां भी आप अच्छे से देखते हो, बाकी सारी चीजें कवर करते हो, एक होता है आपका बायो जियोग्राफी है ना, जहां पे आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है ना, हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में भी पढ़ना होता है। तो जब पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात करते हैं, बायो जियोग्राफी की बात करते हैं, तो ACF RFO के इंक्लूड हो जाने के कारण इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन इन्वायरमेंट से ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। अगर आप हाल फिलहाल के प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्न पत्रों को देखेंगे, पेपर को देखेंगे, तो वहां पे पता चलेगा आपको कि ज्योग्राफी अगर सब कुछ मिला लिया जाए इन तीनों को, तो 45 से 50 क्वेश्चन, 150 प्रश्न का आपका जीएस का पेपर 1 होता है, पेपर 2 आपका सीसेट होता है, हम जीएस के पेपर 1 की बात करेंगे, उसमें से 150 क्वेश्चन में 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपका एक अकेला सब्जेक्ट लेके जा रहा है, तो इसका मतलब ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है, बहुत ही ध्यान देने वाला सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को अगर एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो इससे ये भी है कि एक बार आप पढ़ लिए, एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर यहां से आप 100% प्रश्न सही भी कर सकते हो। देखिए बहुत सारे विषय हैं, और विषय अगर आप सिविल सेवा क्षेत्र की बात करो, ऐसे पोस्ट की बात करो जहां पे आपका सिलेबस बहुत वेस्ट है, बहुत ही ज्यादा है, तो एक होता है बहुत ज्यादा पढ़ ले और कितना है, एक होता है आप इतना पढ़ो पता है यहीं से आना है। तो ऐसा विषय है ज्योग्राफी, आपको पता भी है क्या पढ़ना है, आपको पता भी होगा कि क्या आना है, और ये सारी बातें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो आपके अगर आप एनसीईआरटी उठाओगे और कक्षा 11 की 11th क्लास के पहला चैप्टर खोलोगे, तो उसका भी टाइटल क्या है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, और उसमें बहुत विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश किया गया है कि आखिर भूगोल एक विषय के रूप में क्या है, इसके डिसिप्लिन क्या है, इसके अंडर में क्या क्या विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस किस क्षेत्र में हमें ज्ञान होना चाहिए, किस किस क्षेत्र में हमें प्रश्न पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो यह बात तो हमें पता चल गई, हम ज्योग्राफी पढ़े क्यों। दूसरी बात, अब भाई ज्योग्राफी पढ़ने का तो सिंपल सा एक बात है, जब हम बोले स्कूलिंग में होते तो वहां पे उत्तर क्या होता, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी के बारे में जानना हमारा कर्तव्य ही है, ऐसा बोल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप जिस एनवायरमेंट में रहे हो, आप जिस समाज में रह रहे हो, आप जिस
आपकी आर्थिक जो गतिविधियां हैं, या आप और भी कृषि क्षेत्र में, भाई कोई खेती कर रहा है, कोई ट्रेड कर रहा है, आप किसी साधन से जा रहे हो, आ रहे हो, सभी का उपयोग कर लो, तो इन सब चीजों के बारे में एक डिटेल्ड जो एनालिसिस होना चाहिए, जो डिटेल्ड स्टडी होना चाहिए, ये सब कराने में आपका मदद करता है कौन? वो है आपका भूगोल। अगर हम पहले बात करें तो भूगोल का मतलब केवल हमारे ज्योग्राफिकल टर्म्स का था, जैसे नदियां, पर्वत, पहाड़, झरने, झील, ये सब जो हमारे फिजिकल जो दिखते थे, इनके बारे में हम अगर आदिम प्रिमिटिव जो हमारे ऐसे थे ज्योग्राफर थे उनकी बात करें, जो फिलोसफर थे उनकी बात करें, तो उन्होंने इंसानों पे इतना ध्यान देने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस उनके जो इर्द गिर्द दिखा उससे वो रोमांचित हुए। मैं बात 1500-1400 की कर रहा हूँ, जब हमारे ना तो वहां पे इतना आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, ना ही आप में इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई थी, तब जो हम देखते थे तो हमें सबसे ज्यादा क्या दिखता था, प्रकृति दिखती थी, और प्रकृति ही वो सुपर पावर दिखती थी। तो उसके बारे में जो जानने की जिज्ञासा हुई, वो उसका जो पढ़ने का हुआ, वो जो विषय कहलाया, वही क्या कहलाया? हमारा भूगोल कहलाया। तो आगे बोलते हैं, अगर ज्योग्राफी टर्म की बात करें, भूगोल की बात करें, तो ये दो शब्दों से बना है, भूगोल। हिंदी में तो सिंपल सा है, भू है और वो गोल है। ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी मतलब जियो और ग्राफी, जियो मतलब आपकी पृथ्वी और ग्राफी मतलब उसका डिस्क्रिप्शन। तो एरेथोस्थनीस, जो हमारे बहुत ही महान फिलोसोफर भी रहे हैं, हमारे बहुत बड़े गणितज्ञ भी रहे हैं, और बहुत बड़े भूगोलवेत्ता भी रहे हैं, बहुत बड़े ज्योग्राफिस्ट रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले स्तंभ को ज्योग्राफी को दिया, उन्होंने अलग किया, जियो को अलग किया और ग्राफी को अलग किया, और वहां से उन्होंने एक शब्द बताया कि ज्योग्राफी मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है और उसका डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ हमारा ज्योग्राफिकल है। ये एरेथोस्थनीस है, इनके बारे में आप परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे तो कभी देखिए, ऐसे महान व्यक्तित्व होते हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें इंस्पिरेट करते हैं कि कुछ करें, ये बहुत ही महान व्यक्तित्व ऐसे रहे हैं। अभी समझिए कि हम जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारा क्या होता है, हम स्ट्रीम कभी साइंस 10th में ही होता है, 10th से ही 12th से ही स्ट्रीम हमारा बदल देते हैं, कोई बोलता है हम साइंस लेंगे, कोई बोलता है हम आर्ट लेंगे, आर्ट में भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं हमारा ये विषय ज़्यादा मजबूत है, ये विषय कम मजबूत है, हमें मैथ ज़्यादा आती है, हमारी जीएस कमजोर है, हमें जीएस ज़्यादा आती है, मेरा मैथ रीजनिंग में दिमाग नहीं चलता है, हम अपने दिमाग को लिमिटेड करते हैं। लेकिन ये ऐसे महान व्यक्तित्व थे, ऐसे लोग थे, इनके काल के सभी लोग, आप चाहे आइंस्टीन की बात करें, आप चाहे न्यूटन की बात करें, जिन्होंने केवल एक फील्ड में नहीं, जिन्होंने हर फील्ड में, भाई अगर मैं केवल एरेथोस्थनीस की बात करूं तो ये बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी रहे हैं, मैथमेटिशियन बहुत बड़े रहे हैं, और जो एक ग्रीक सभ्यता थी, आप देखोगे मैक्सिमम जो फिलोसफर है, मैक्सिमम जो थिंकर है, वो ग्रीक, ये भी मैं बात समझाऊंगा, क्यों ग्रीक से ही, क्यों रोमन मैथोलॉजी ही, क्यों ये सब जो एक आपका यूरोप बोले, एक ऐसा महाद्वीप जो महाद्वीप कहना कहलाता भी नहीं है, कायदे से अगर हम महाद्वीप की बात करें यूरोप, तो वो एशिया से लगा हुआ पार्ट है, पश्चिमी एशिया भी बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे महाद्वीप की संज्ञा देते हैं, बात सब डिस्कस करेंगे क्यों उसे महाद्वीप की संज्ञा देते हैं, क्यों वो अलग कॉन्टिनेंट बोलते हैं, लेकिन जो हमारा वो पार्ट था, यूरोप का वो पार्ट था, वहां से जो ग्रीक हुए, ब्रिटेन के लोग हुए, ये सब लोग बहुत बड़े, ये एक ऐसा क्षेत्र था जो हमें इस मानव जाति को बहुत बड़े बड़े थिंकर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर दिए हैं, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन दिए हैं, तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हर फील्ड के ये लोग बहुत ही ज्यादा ज्ञानी व्यक्तित्व थे। तो बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ की, अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन हुआ, पृथ्वी के बारे में जो परिभाषाएं हुई, पृथ्वी के बारे में जो जानकारी हुई, उन्हीं की जो हमारा स्टडी होता है, वही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। और अगर हम इसे देखें तो एबोड ऑफ ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि हम मानो एक ऐसा प्राणी जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाता है, उसके दिमाग की क्षमता इतनी है कि वो सारी चीजों को एक साथ रख के देख पाता है, सारी चीजों को कंपेयर कर पाता है, सारी चीजों को समझ पाता है, और उसके आधार पर सारी चीजों की नए चीजों को उपलब्ध करा पाता है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी इंसान की जो देन है, ह्यूमन की देन है। तो ये जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, वो हमारा घर है, वो हमारा घर है, और इसीलिए इसे ग्रह बोले। ग्रह अगर आप देखोगे तो ग्रह दोनों सेम चीज है ना, बस अलग अलग टर्मोलॉजी दे दिए, हमारा होम है, हमारा घर है, और इस
इसीलिए इसे अंग्रेजी का शब्द एबोड ऑफ ह्यूमन बीइंग बोले। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे केवल इंसान रहते हों, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे हम उन प्राणियों में केवल इंसान ही ऐसे हैं जिनके लिए पृथ्वी बनी है। अगर प्राणी को निकाल दिया जाए तो बहुत सारी ऐसे चीज हैं, पेड़ पौधे जानवर जंतु मछलियां, बहुत सारे ऐसे जीव जंतु अन्य भी हैं और बहुत सारे ऐसे लैंडफॉर्म्स भी हैं, ऐसे भूप्रदेश हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो वो सब कुछ हमारी ज्योग्राफी बताती। अब किसी ने बोला एबोड ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी ने बोला डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, भूगोल को बोला, तो ये अलग अलग थिंकर, अलग अलग फिलोसफर, अलग अलग सबकी सोच और अपने अपने तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश की। तो हम ज्योग्राफी की परिभाषा भी अच्छे से देखेंगे, लेकिन उससे पहले समझेंगे हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा जो जानने को मिलता है वो है डाइवर्सिटी। मैंने अभी अभी बात किया कि भाई हम यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन और भी जंतु हैं, और भी जानवर हैं, और भी जीव हैं, रह रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया की बात करें, वायरसेस की बात करें, और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है, सबका अपना अपना इस प्रकृति में रोल है। हम सबको जब एक साथ रखते हैं तब जो हम एक डाइवर्सिटी देखते हैं, जो विभिन्नताएं देखते हैं, और विभिन्नताएं की बात ही नहीं करेंगे हम, उन विभिन्नताओं में सिमिलरिटी देखते हैं, समानताएं देखते हैं, तो एक ऐसा विषय है जो हमें इस पूरे पृथ्वी का, साथ में एक कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड का विभिन्नताएं बताने की कोशिश करता है और उनके बीच संबंध बताने की कोशिश करता है। वो विषय क्या है? हमारा भूगोल है, ज्योग्राफी है। इतनी बात आपको क्लियर होगी कि ज्योग्राफी एग्जैक्टली है क्या। अब बात आती है परिभाषाओं की। परिभाषाएं कहां से उठी? जैसे ही हम ऑब्जर्व करना शुरू किए कि भाई हम यहाँ पे हैं, हमारे पहनने का तरीका ये है, हम जीन्स पहनते हैं, हम शर्ट पहनते हैं, हम कहीं पे देखे अपनी माँ को देखे, अपने बहन को देखे तो वो साड़ी पहनती हैं, हम कहीं और गए हमारी माँ साड़ी पहनती है, लेकिन वहीं पे लंदन में कोई अगर औरत है जो हमारे माँ समान है वो साड़ी नहीं पहन रही है, वो हमारे तरह ही जीन्स पहन रही है। तो ये हमारे माँ के पहनावा और वहां पे जो माएँ हैं उनकी पहनावा अलग क्यों है? हमारे खाने के तरीके में दाल चावल सब्जी रोटी है, उनके खाने के तरीके में मांस है, उनके खाने के तरीके में ब्रेड ज्यादा है, फिर ये खाने के तरीके क्यों बदले? और यही नहीं, आज भी जब हम बहुत डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो आज भी, हम जब प्रिमिटिव सोच की बात करेंगे, प्रिमिटिव ह्यूमन की बात करेंगे, जो हमारे आदिम मानव थे, आज भी वो आदिम मानव जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ST बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, जनजातियां बोलते हैं, आज भी उनका कल्चर हमसे बहुत ही ज्यादा अलग है। तो इन डाइवर्सिटीज को क्यों ऐसे हुए? दूसरी बात, ये तो हमारे केवल डाइवर्सिटी की बात हुई, पहनने का तरीका, खाने का तरीका, रहने का तरीका, हमारे यहाँ मकान ऐसे होते हैं, आप अगर ध्रुवी क्षेत्र पे चले जाओ, पोल पे चले जाओ तो वहां पे इग्लू जैसे आपको घर मिलेंगे, आप अगर रेगिस्तान में चले जाओ तो वहां पे अलग घर बनेंगे, आप जैसे यूरोप जैसे कंट्रीज में चले जाओ या ठंडे प्रदेश में चले जाओ तो वहां पे कोनिकल घर मिलेंगे। तो घरों का स्ट्रक्चर क्यों अलग है, क्यों ऐसा हुआ, इन बात का भी जो हमें जानकारी देता है वो क्या देता है? भूगोल देता है। एक बहुत ज्यादा जो जरूरी टर्म होता है वो क्या होगा? नीड या नेसेसिटी। जैसे जैसे मानव की नीड बदलती गई, जैसे जैसे मानव की नेसेसिटी बदलती गई, वैसे वैसे इंसान का दिमाग डेवलप करता गया, उसके बारे में जानने की कोशिश वो बढ़ाता चला गया, और ये जो जानने की इच्छाएं थी, ये जो उसकी जिज्ञासा थी, ये जो उसकी जिज्ञासा थी, इसने मानव को, आज का जो मानव है उसे बहुत ही अच्छा रूप दिया, जिसे ज्ञानी मानव हम बोलेंगे, उसका एक बहुत अच्छा रूप दिया। हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ये इतिहास से उतना ही ज्यादा रिलेटेड है, ये राजनीति शास्त्र से उतना ही ज्यादा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? अगर हम इतिहास में देखें तो हम देखेंगे, हमें अपने भारत के इतिहास में देखें तो भारत में बहुत सारे आक्रांता आए, बहुत सारे इन्वेडर आए, चंगेज आए, अरब आए, है ना, अलेक्जेंडर की आप सुने होंगे। तो ये लोग क्यों आए, क्यों भारत जैसे ही देश पे इन्होंने आक्रमण किया, क्यों इन्होंने भारत जैसे देश को लूटा, इन सारी चीजों की भी जानकारी कौन देता है? ज्योग्राफी देता है। शायद अगर हम इसके कारण पे जाएं तो ऐसा हो सकता है कि अगर अरब को देखें तो अरब और भारत का जो लैंड है वो आपस में लैंड मास जुड़ा हुआ है, शायद उनके लिए इन्होंने रास्ता दे दिया होगा, शायद जो चंगेज आए इन पहाड़ियों में, इन दलों में उन्हें रास्ता मिल गया और उनके यहाँ खाने की कमी रही होगी, और उस खाने की कमी को पूरा करने के लिए भारत जैसे देश पे, जहां पे खाने की उपलब्धता थी, जहां पे जमीन की उपलब्धता थी, जहां पे प्लेन ज्यादा थे, मैदान ज्यादा थे, जहां पे कृषि ज्यादा थी, जो संपन्न थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह से
या अभी हम एक टर्म पढ़ेंगे माइग्रेशन, है ना, प्रवास किए, आज के टर्म में उसे देखेंगे तो वो भी एक प्रवास था, अपनी जगह से जहां पे उनके हिसाब से कल्चर नहीं था, उनके हिसाब से फूड अवेलेबल नहीं था, भोजन की उपलब्धता नहीं थी, उसलिए हमारे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, माइग्रेट किया, या दूसरे शब्दों में, इतिहास के शब्दों में, आक्रमण किया, और वो आक्रांता कहलाए, इन्वेडर कहलाए। और आए तो यही क्यों आए, हमने नहीं देखा कि कोई अफ्रीका का ऐसा आया हो जो भारत पे कर दिया हो, हमने नहीं देखा कोई नॉर्थ अमेरिका का ऐसा आया हो जो भारत पे आक्रमण किया हो, क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र बीच में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था, एक बहुत ही बड़ा अवरोध पैदा कर रहा था, जिसके कारण से शायद वो लोग इस भारत की भूमि पे नहीं आ पाए। तो ये सब की जानकारी कौन देता है, ये सब की जानकारी भी हमारा भूगोल देता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हम समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, हम ओशंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम द्वीप, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट सब के बारे में पढ़ेंगे, और इन सब का अपना अपना क्या है, एक रेलेवेंस है। इन सारी चीज़ों की जानकारी कौन देता है, भूगोल देता है। तो भूगोल अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसे हम बोलेंगे मदर ऑफ ऑल साइंस, सारे विज्ञान की माँ है, सारे सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, चाहे वो इतिहास हो, हम राजनीति शास्त्र की बात करें, आज हमें जानना होता है कि भारत की पॉलिटिकल बाउंड्री क्या है, आज हमें जानना होता है कि एशिया महाद्वीप कहाँ तक उसका क्षेत्र विस्तार है, हमें जानना होता है कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, हमें अंतर्राष्ट्रीय, है ना, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, चीन के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इन सब की जानकारी कौन देता है, भूगोल देता है। और इसकी जो डिसिप्लिन अलग हुई, जो इसका विषय अलग हुआ, वो क्या कहलाया, राजनीति शास्त्र कहलाया। यही नहीं, अर्थशास्त्र से बहुत अच्छा रिलेटेड है आपका क्या, ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है, अगर हम देखें तो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां, जैसे मानव का सब सर्वप्रथम पहले भी कृषि किया, कृषि से ही उसकी अर्थव्यवस्था चालू हुई। जब भी हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो पहला जो टर्म आएगा वो आपका क्या आएगा, कृषि आएगी, और कृषि ही आदिम मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी, वन ऑफ द मोस्ट हाई इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन इज एग्रीकल्चर। तो ये बात भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और अर्थशास्त्र पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ज्योग्राफी का रोल प्ले होता है। आज हम ट्रेड करते हैं, कॉमर्स हैं, हमारे अलग अलग देशों से हमारे जो संबंध हैं, जो हमारे ट्रेड रिलेशन हैं, उनके बारे में भी, क्यों ट्रेड रिलेशन ऐसे डेवलप हुए, वहाँ पे कोई खनिज उपलब्ध है, हमारे यहाँ कोई खनिज उपलब्ध है, हमारे यहाँ कपास पैदा होता है, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी कौन देता है, भूगोल देता है। तो इसीलिए भूगोल को मदर ऑफ ऑल साइंस कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर देखा जाए तो मैंने डिफरेंसेस और रिलेशन आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। कल्चर की बात कर रहे थे, जैसे हमने देखा तो भाई मैंने बताया कि हमारे यहाँ खाने के तरीके अलग होते हैं, रहने का तरीका, घर हमारे अलग हैं। और कल्चर की बात करें तो कोई साड़ी पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई पैंट पहन रहा है, सब कुछ ये जो विभिन्नताएं हैं, यही तो हमें भूगोल बहुत अच्छे से बताता है। हम आते हैं डेफिनेशन पे, ज्योग्राफी के डेफिनेशन क्या, और यहाँ से हमारा सब्जेक्ट थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट करेगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी आज ही हम इसी क्लास में सीखेंगे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जब आप मेंस की बात करेंगे प्री में, तो यहाँ से 80 क्वेश्चन ही पूछते हैं, अगर आप ये बोले मैं पहली क्लास से प्री से क्वेश्चन फंसेंगे, नहीं, ये बहुत लंबा कोर्स है, बहुत ही वेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है, एक आप लेक्चर से नहीं डिसाइड कर सकते हो कि सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। लेकिन हम अगर इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा हमें पढ़ना क्या है, हमें समझ में नहीं आएगा हमें तैयारी किस दिशा में लेके जानी है, हमें शायद ये भी नहीं समझ में आएगा हम किस किताब से पढ़ें और कितनी देर पढ़ें। तो इन सभी की जानकारी आपको इसी कक्षा में, इसी सेशन में मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और उम्मीद है आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इत्मीनान तरीके से पढ़ेंगे, कोई बोरियत नहीं होगी, बहुत ही एक ऐसी चीजें जानेंगे जो शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, कभी समझा नहीं होगा, कभी उस नजरिए से हमारे इस पृथ्वी को नहीं देखा होगा, हमारे इस ब्रह्मांड को नहीं देखा होगा, हम मनुष्यों को इस नजरिए से नहीं देखा होगा। हम सारे चीजों को बहुत अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करने की यहां पे कोशिश करेंगे। तो अगर डेफिनेशंस की बात करें तो जैसे जैसे हमारे फिलोसोफर आए, जैसे जैसे हमारे थिंकर आए, जैसे जैसे हमारे ज्योग्राफर भूगोलवेत्ता आए, वैसे वैसे उनकी जो परिभाषाएं थी वो बदलती रही। अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो सैकड़ों ऐसे फिलोसोफर हैं जो सैकड़ों परिभाषाएं दी हैं, कुछ परिभाषाएं उन्हीं में क्या कहलाई, क्लासिकल कहलाई, यानी कि
हमारी पारंपरिक कहलाई और कुछ परिभाषाएं जो आज के फिलोसफर देते हैं, जो साइंस के नजरिए से देखते हैं। आज टेलीस्कोप अवेलेबल है, आज ऐसी ऐसी मशीनें अवेलेबल है जो हम सभी चीजों को बहुत अच्छे एनालिटिकल व्यू में, कंप्यूटर के जमाने में है, सारी चीजें हम एक साइंटिफिक नजरिए से देखते हैं और ऐसी परिभाषाएं क्या कहलाई, मॉडर्न परिभाषाएं कहलाई। तो क्लासिकल यानी कि पारंपरिक जो परिभाषा है वो क्या कहती है, पहले के फिलोसफर जैसे मैंने कि बोला उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनका दिमाग इतना नहीं ग्रो था, वो क्योंकि जहां तक उनकी दृष्टि देखती थी, जहां तक उनकी नजर जाती थी, जो चीजें उनको विजिबल थी, उनका दिमाग भी केवल वही सोचता था। उन्होंने सुबह उठे तो क्या देखे, नदी बह रही है तो नदी के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया, पर्वत से नदियां निकल रही है तो पर्वत के बारे में सोचना शुरू किया, पर्वत पे हिम जमा हो रहे हैं, पर्वत पे बर्फ जमा हो रही है तो बर्फ के बारे में सोचना शुरू किया, एटमॉस्फेयर के बारे में, क्लाउड के बारे में सोचना शुरू किया, बारिश हुई तो बारिश के बारे में और समुद्र के बारे में सोचना शुरू किया। तो ये जो आपके लैंडफॉर्म्स हैं, ये जो आपके समुद्र हैं, ये जो आपके रेगिस्तान हैं, ये जो आपके लेक हैं, नदियां हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल जिसे बोलेंगे, पहाड़ियां हैं, इनके बारे में उन्होंने जो पढ़ने की कोशिश की, जो समझने की कोशिश की, उन्होंने मानव का इससे बहुत अच्छा रिलेशन नहीं देखा। ऐसा नहीं रिलेशन था नहीं, तब भी रिलेशन था। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो आदिम मानव था, जो प्रिमिटिव ह्यूमन था, उसका रिलेशन कैसे हमारे एनवायरमेंट से, कैसे हमारे अर्थ से बहुत ही अच्छा कोरिलेशन था, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये हम सोच पा रहे क्यों, क्योंकि आज हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसे रिसोर्स हैं, आज हम कहीं ना कहीं ऐसे मूवीज देख चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसी किताबें पढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान हमारे अंदर है जब हम चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं। तब के जमाने में हम 200 बीसी की बात करें, ईसा पूर्व की बात करें, 500 ईसा पूर्व की बात करें, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, इंसान के पास सोचने को केवल उसका दिमाग था, तो जो उसे दिखा उसके बारे में उन्होंने सोचना शुरू किए। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि उनके गांव से, उनके कस्बे से बढ़ के भी कोई दुनिया है, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि देश भी होते हैं, उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि महाद्वीप भी होते हैं, और शायद मैदान में रहने वाले लोग को समुद्र की जानकारी नहीं थी, और समुद्री क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पहाड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जो वो देख रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे, इसी को क्या बोला गया, क्लासिकल डेफिनेशन बोली गई। तो पहले के जो फिलोसोफर थे, पहले के जो ज्योग्राफर थे, पहले के जो भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने जो इन फिजिकल टर्म्स के बारे में डेफिनेशन दिया, इस दृष्टि से जो देखा, उसी को बोला गया, ये हमारी पारंपरिक परिभाषा है, क्लासिकल परिभाषा है, जिस हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश किया। मॉडर्न की बात करें तो अगर आज हम देखें तो आज मॉडर्न में एक ह्यूमन का रिलेशन इस पूरे पृथ्वी से बहुत अच्छा है, एक सेंटर आइडिया है। अगर हम मानव को निकाल दें तो ये ग्रह भी शायद अन्य ग्रह की तरह हो जाएगा, है ना, अन्य ग्रह की तरह हो सकता है हो जाए। क्यों? क्योंकि मानव ही यहां का सेंट्रल आइडिया है, मानव ही सब कुछ सोच रहा है, समझ रहा है और अपने हिसाब से थ्योरीज डेवलप कर रहा है। तो जो मॉडर्न आए, उन्होंने देखा कि मानव का प्रकृति पे बहुत ही अच्छा प्रभाव है। जब भी हम आगे समझेंगे, बहुत अच्छे अच्छे टर्म यहाँ पे देखेंगे कि प्रकृति ने कैसे मानव पे डोमिनेट किया, कैसे एक समय ऐसा था कि प्रकृति सर्व सुपर पावर बोल सकते हैं उसे, जो सारी पावर थी वो डोमिनेट कर रहा था ह्यूमन पे। आज का जमाना हम देखेंगे कैसे ह्यूमन अपने एक्टिविटीज से, मानव अपनी गतिविधियों से कैसे उस प्रकृति पे विजय पा रहा है, उस प्रकृति को अपने हिसाब से बदल रहा है, और इन दोनों का जो एक रिलेशन है हम देखते हैं भाई। आज रेगिस्तान में भी कैसे देखेंगे, रेगिस्तान वगैरह में भी, अब ये हमारे प्रिमिटिव ह्यूमन से बात करेंगे, रेगिस्तान वगैरह जगह में लोग ऐसे ऐसे घर बनवा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं, जहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, 45 डिग्री सेल्सियस है, एसी लगा के 25 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली। पहले क्या थे, पहले आदिम मानव थे, और आदिम मानव, हम यहाँ पे बहुत अच्छी थ्योरी समझेंगे, आदिम मानव क्योंकि उनका जो उस समय था वो मैक्सिमम कहाँ पे सेंटर थे, कहाँ पे वो डिपेंडेंट थे। अगर उनके भोजन की प्राप्त करें तो एक है, बोला जाता है जीव जीव का भोजन है, और उसी फिलॉसफी पे वो काम करते थे। उनके पास खेती करने को नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि हम खेती करेंगे तो अपने लिए फसल उगाएंगे और हमारे खाने का तरीका ये हो सकता था। वो जीव का भोजन करते थे, वो जंगलों में रहते थे, वो जंगलों में जानवरों को का शिकार करते थे, उन्हें कभी कच्चा खाए, कभी पका के खाए। तो ये हमारे आदि मानव थे, ये हमारे प्रिमिटिव ह्यूमन थे। हम अगर बात करें प्रिमिटिव ह्यूमन की, तो
उस समय क्या था प्रिमिटिव ह्यूमन और उससे जस्ट थोड़ा बाद में जैसे जैसे इंसान बढ़ता गया समझ डेवलप करती गई, ऐसा बोले कृषि क्षेत्र में भी बात करें उस एरिया उस हम फेज को उस टाइम लैप्स की बात करते हैं जहां पे मानव ने कृषि करना शुरुआत कर दिया था, जहां पे एग्रीकल्चर वहां पे उसने सीख लिया था, अपने लिए फूड डेवलप करने लगा था, भोजन का शिकार छोड़ के वो खेती पे आ गया था। उस समय तक भी मानव सब कुछ प्रकृति को मानता था, प्रकृति को सुपर पावर मानता था, देवता मानता था, कभी सूर्य को देवता बोला, कभी नदियों को देवी बोला, कभी भूमि की पूजा किया तो कभी उन पर्वतों की पूजा किया। क्यों पूजा किया? क्योंकि प्रकृति सुपर पावर उसके लिए थी। जब कभी भूकंप आते थे तो वो डर जाता था, जब कभी ऐसा कुछ होता था, जब कभी बाढ़ वगैरह आती थी तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता था, जब कभी तूफान आते थे तब उसकी जो एक्टिविटीज थी सब कुछ वहां पे प्रभावित हो जाती थी, तो उसे लगता था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ वो भगवान है, सब कुछ वो ईश देव है, सब कुछ वो प्रकृति है, जो जैसा चाहती है वैसा हमें रखती है। तो प्रकृति का जो हमारा सुपर पावर था, प्रकृति का जो डोमिनेंस था ह्यूमन पे, प्रिमिटिव ह्यूमन पे, आदिमानव पे, वो हमारा क्या कहलाया? जब इसके बारे में हमारे फिलोसफर पढ़े तो उसे बोले ये क्या था? निश्चयवाद था, डिटर्मिनिज्म था। क्या शब्द बोले? आप देख रहे होंगे, डिटर्मिनिज्म था, निश्चयवाद था। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जहां पे, फिर से सुनिएगा और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जब प्रकृति का डोमिनेंस ज्यादा है मानव पे तो हम उस थ्योरी को बोलेंगे, उस थॉट को बोलेंगे क्या है ये? निश्चयवाद है, क्योंकि मानव निश्चयवाद में डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो प्रकृति को अपना इष्ट देव मान रहा है, वो जान रहा है कि प्रकृति ही उसके लिए सब कुछ है, जैसा प्रकृति चाहेगी वैसा हमें रहना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, जैसे जैसे उसने टूल्स डेवलप करने लगे, जैसे जैसे उसने नए नए आविष्कार किए, वैसे वैसे का दिमाग जैसे जैसे विकसित होता गया, उसे समझ में आता गया कि नहीं, प्रकृति को हम बदल भी सकते हैं। बाढ़ आ रही थी तो उसने अपना मकान ऊपर बनाना शुरू कर दिया, तूफान आ रहा था तो मकान को मजबूत करना शुरू कर दिया, उसके पास खाने की चीजें अवेलेबल नहीं थी तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज, अभी हम अगर हिस्ट्री में आप पढ़ोगे है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, पूरा पढ़ोगे जब इसमें तो समझ में आएगा कि मानो उस फेज में 18वीं शताब्दी में कितना तेजी से बदला है, जब टेक्नोलॉजीज बहुत तेजी से आई हैं वो पूरा फेज ही बदल गया था। इन सारी जानकारी आपको आशीष सर बताएंगे हिस्ट्री में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। और ये पूरी क्लास, पूरी टीम ऐसे कर रही है कि आपको एक तरफ हिस्ट्री, एक तरफ ज्योग्राफी, एक तरफ पॉलिटिक्स, मैं तीनों को बहुत अच्छे से समझाते हुए, मैंने डाइवर्सिटी की बात की, रमन सर आपको डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपके पॉलिटिकल साइंस में जो अगला लेक्चर आपको मिलने वाला है, इस इतिहास के बारे में आशीष सर ने आपको पहले ही कुछ बता दिया होगा, मानव की उत्पत्ति उन्होंने बताया होगा और अब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ऐसा थॉट जहां पे प्रकृति ही सुपर पावर है, जहां पे प्रकृति के हाथ में सब कुछ है और ह्यूमन के हाथ में कुछ नहीं है, मानव के हाथ में कुछ नहीं है, क्या कहलाया? निश्चयवाद कहलाया। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, हमने अपने हिसाब से बढ़ते गए, हम देख रहे हैं कि रेगिस्तान जैसे में भी हम अपना ऐसा कुछ घर बना ले रहे हैं, ऐसा ऑरा बना ले रहे हैं कि हमें गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। पोलर रीजन पे जहां पे इतनी ठंडी पड़ रही है वहां पे जाके हम हीटर लगा ले रहे हैं, हम अपने कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस बना ले रहे हैं। तो ये क्या है? ये मानव की प्रकृति पे विजय ही तो है। मानव ने प्रकृति को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया, वो सोचना शुरू कर दिया कि इस प्रकृति में कुछ भी संभव है, मानव के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि मानव नहीं कर सकता। और जब उसे में को सब चीज में संभव दिखने लगा, सब कुछ उसे पॉसिबल दिखने लगा, तो उसने बोला कि ये थ्योरी क्या है? पॉसिबलिज्म है। ये थ्योरी क्या है? संभववाद है। तो दो थ्योरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहला क्या है, जब आप मानव को और प्रकृति को रिलेट करोगे, इस पृथ्वी को बहुत अच्छे से मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये जब एनसीईआरटी के क्लास 12 का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जब आप पहला पढ़ोगे क्या, संभववाद निश्चयवाद, निश्चयवाद मतलब कि प्रकृति सुपर पावर है और संभववाद मतलब ह्यूमन कुछ भी कर सकता है, मानव कुछ भी कर सकता है। तो जब प्रकृति कुछ भी कर सकता था, मानव प्रकृति के हिसाब से चेंज हुआ, तो हम वहां पे क्या बोले? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मानव का प्राकृतिकरण। तो जो हमने ये समझा कि कैसे मानव पे प्रकृति ने
डोमिनेंस कर लिया है, कैसे उस पर अपना वर्चस्व जमा लिया है, मानव को प्रकृति के हिसाब से बदलना पड़ा, यही हमारा क्या कहलाया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहलाया। ये भी आप क्लास 12 के ह्यूमन ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ोगे, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी बुक है वहां पे बहुत अच्छे से आपको कहानी भी बताई जाएगी कि कैसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हुआ। जब हमने संभववाद में आए, जब हमारे पास सारी चीजें पॉसिबल दिखने लगी, तब हमें समझ में आया आज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन नहीं है, आज तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो गया है, यानी कि प्रकृति का मानवीकरण हो गया है, प्रकृति मानव के हिसाब से बदल गया है, और इसीलिए जो दो टर्म है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा तरीके से आपको मेंस में कभी कभी पूछा भी जाता है कि दोनों में अपनी अपनी राय दें, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई भी होगी और आपका नजरिया भी यहां तक बदल गया होगा। आगे चलते हैं, थोड़ा और भी हम ज्योग्राफी में सीखते हैं। अभी जब इन दोनों की बात हो गई तो एक नई थ्योरी आई, नई थ्योरी आई जो आज के हमारे फिलोसफर, आज के हमारे थिंकर, आज के हमारे भूगोलवेत्ता ज्योग्राफर जिन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि आज का जो जमाना है वो नव निश्चयवाद के हिसाब से चलना पड़ेगा, यानी कि नियो डिटर्मिनिज्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। कहने का मतलब कि हमें एक ऐसा माहौल डेवलप करना पड़ेगा जहां पे हम अपने इन्वेंशन से, अपनी टेक्नोलॉजी से प्रकृति पे बहुत ही ज्यादा जुल्म ना करें और प्रकृति भी हम पे बहुत ज्यादा जुल्म ना करें, दोनों का एक बैलेंस बने। मतलब हम अगर कुछ खोज कर रहे हैं, हम अपने सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, हम अपने को डेवलप कर रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट भी एक लेवल का होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए ताकि प्रकृति पे उस पर फर्क ना पड़े। इसे बोला गया नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट यह है कि सब कुछ पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है, पॉसिबिलिज्म है, असंभववाद है, लेकिन एक लिमिट तक। आपको डिसाइड करना है कि कब आपको आगे चलना है, आपको डिसाइड करना है कब आपको रुकना है, आपको डिसाइड करना है कब आपको धीरे धीरे चलना है, जैसे आपके ट्रैफिक लाइट्स बताती है नीली पीली और हरी बत्ती। बात समझ में आ रही है आपको, मेरे ख्याल से समझ में आना भी चाहिए कि हम अब यहाँ पे किस नजरिए से देखने लगे, हम प्रकृति के, हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नजरिए से देखने लगे इन सारी चीजों को, और उसे बोला गया नियो डिटर्मिनिज्म, नौ निश्चय बात। बात समझ में आ गई। तो ये तीन चीजें आपको दिमाग में रखनी है। यहां तक जो ज्योग्राफी की फिलॉसफी थी, मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी को और फिजिकल ज्योग्राफी को दोनों को बहुत अच्छे से रिलेट करके दिखाया। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में हमारा स्कोप क्या होगा, क्या क्या हमें नॉलेज एग्जाम के लेवल से भी, और हमें एक मानव होने के नाते, ह्यूमन होने के नाते, जो हमारा परम कर्तव्य है उसके नाते हमें क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए, उसके भी नाते अगर हम भूगोल के विषय को देखें तो किन पर्टिकुलर पार्ट में, किन मेजर पार्ट्स में ये डिवाइड है, इस बात को अच्छे से देखते हैं यहां पे। हाँ, अभी ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी मल्टीडिसिप्लिनरी है ना, बहुआयामी है। जो सत्य होती है वो बहुआयामी होती है, और ज्योग्राफी भी आपका एक सत्य है, वो बहुआयामी है। इसे दो तरीके से हमने डिवाइड किया, एक को बोला नेचुरल और एक को बोला सोशल। नेचुरल में आपका फिजिकल आता है, जब जब आपका नेचुरल का बात आएगा आपको दिमाग में रखना है मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं। नेचुरल मतलब कि मैं फिजिकल की बात कर रहा हूं, जिसमें आपके क्या है, आपके ओशंस हैं, जो आप एक अलग अलग पूरा चैप्टर ही पढ़ोगे, ओशनोग्राफी पढ़ोगे, जैसे आपका भूमि है, पेडोलॉजी पढ़ोगे, भूमि के बारे में पढ़ोगे, जब आप पर्वतों के बारे में पढ़ोगे, आप नदियों के बारे में पढ़ोगे, ये सबका अलग अलग है। ये हमारा किसमें आएगा, नेचुरल में आएगा या फिजिकल में आएगा। एक हमारा सोशल है, और सोशल में जैसे आप क्या पढ़ोगे, सबसे इसमें सोशल में मैं ह्यूमन ज्योग्राफी बोल दूं, आपका एक अलग रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। इसका मतलब यहां पे आपका मानव आ गया, क्या इसमें पढ़ोगी, उसकी मानव की आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जब आप पढ़ोगे, एग्रीकल्चर के बारे में जब आप पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जब आप पढ़ोगे, उसके बाउंड्रीज के बारे में पढ़ोगे, तो ये हमारा क्या कहलाया, ये हमारा सोशल साइंस कहलाया। यानी कि ज्योग्राफी के जो दो आयाम है, एक नेचुरल यानी कि फिजिकल, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा एक हमारा जो बायो ज्योग्राफी है, जहां पे हम एनवायरमेंट यानी
पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की भी बात अच्छे से करते हैं। अगर हम देखें तो ज्योग्राफी क्या है, एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है, मतलब हम इसे अलग अलग, ऐसा नहीं अभी आपको लग रहा होगा ये अलग है, फिजिकल अलग है, यूं अलग नहीं, हम सबको एक साथ देखते हैं। तभी तो मैंने बोला कि जो भूगोल है वो मदर ऑफ ऑल साइंस है, सबका एक एक, अगर इसके एक एक स्ट्रीम को डिवाइड करना शुरू कर दिया जाए तो देखा जाए तो भूगोल का भी, हम जब यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा एस्ट्रो फिजिक्स में चला जाएगा, है ना, तब हम इन्वायरमेंट के बारे में जब देखेंगे तो हमारा इकोलॉजी में चला जाएगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा, जब हम उसके मृदा के बारे में अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी पेटोलॉजी साइंस चला जाएगा। तो एक तरह तरह का विज्ञान है और उस विज्ञान को एक तरह से जो बांधे रहता है, एक होलिस्टिक नजरिया है, सबको एक साथ देखने का तरीका जो नजरिया है वो हमारा क्या है, भूगोल है। और इसकी जो कह सकते हैं कि जो हमारी स्टडी होती है वो दो तरीके से होती है, एक क्या सिस्टमेटिक और एक क्या रीजनल। अलग अलग भूगोलवेत्ता थे, अलग अलग फिलोसफर थे, पढ़ने शुरू किए तो उन्होंने दो तरीके से पढ़ा, कुछ लोग रीजनल पढ़े कुछ लोग सिस्टमेटिक पढ़े। समझाता हूँ सिस्टमेटिक और रीजनल क्या है। सिस्टमेटिक मतलब ये कि आप पहले हर जगह का, विश्व का, भारत का फिजिकल पढ़ो, उसके बाद उसका क्या पढ़ो, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक गतिविधियां, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीजों को देखो, एग्रीकल्चर वगैरह देखो, है ना, मिनरल्स वगैरह, रिसोर्सेज वगैरह देखो, और उसके बाद एनवायरमेंट और इकोलॉजी देखो, और ये अलग अलग क्षेत्र का देखने के बाद तीनों को फिर एक साथ मिला दो, तो ये हमारा एक सिस्टमेटिक लाया। रीजनल क्या कहलाया, रीजनल में मतलब मैं बोलूं कि मैं पहले भारत उठा लूं और भारत का मैं सबसे पहले फिजिकल भी देख लूं, ह्यूमन भी देख लूं और एनवायरमेंट भी देख लूं, फिर मैं दूसरे को देखूं, फिर मैं तीसरे को देखूं, तो ये हमारा क्या कहलाया, सिस्टमेटिक कहलाया, सॉरी रीजनल कहलाया। सिस्टमेटिक में क्या होगा कि आप फिजिकल पढ़ोगे तो अब आपको महाद्वीप के बारे में सारे पढ़ने हैं और सारे महाद्वीप के अलग अलग जो देश हैं सभी के बारे में एक साथ ही पढ़ना है। ह्यूमन के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ोगे जब, तब आप सारी चीजों को एक साथ देखोगे कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, एक साथ आप देखोगे। यही रीजनल पे पहले आप भारत का सब कुछ देख लोगे, फिर आप दूसरी जगह का सब कुछ देख लोगे, फिर आप तीसरी जगह का सब कुछ देख लोगे। ये हमारा अलग अलग पढ़ने का तरीका है। चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा वो नहीं है, मेन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब स्टार्ट होता है और ये है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब जो आप लोग हो तो एक मिनट वीडियो पॉज करके आप लोग अपने साथ एक नोट्स भी लेके बैठ जाओ, ताकि जो मैं बताता जाऊँ, समझना तो आपको ही है, साथ में एक नोट्स भी लिखते चलो, ताकि जो आप खुद लिख लोगे वो आपको बहुत अच्छे से तैयार होता जाएगा, आप भूलोगे नहीं। टीम तो आपको नोट्स देगी ही, मैं आपको ये सारे भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगा कि आपका एक टाइम में जैसे ही आप पीडीएफ देखोगे तो पूरी क्लास एक बार में रिवाइज हो जाएगी, कुछ नहीं लिखा रहेगा, केवल इमेजेस रहेंगे, लेकिन आपको पूरा फोटो एक पिक्चर के फॉर्म में एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पूरी क्लास हमारी ऐसी रही है, इसमें सर ने ये बताया है, तो ये तो आपको हेल्प करेगा। लेकिन आप साथ में, क्योंकि क्लास के समय मैं बहुत सारी ऐसे बातें बोल जाऊंगा जहां पे हो सकता है वहीं से डायरेक्ट आपके प्रश्न बन जाए और आप बाद में पछताओ कि अरे यार ये तो मैंने नोट ही नहीं किया था, इसलिए मेरा मिस हो गया था, तो वो चीजें ना रहे, आप साथ में नोट्स लेके बैठ जाओ, ठीक है। उम्मीद है आप लोग नोट्स लेके आगे होंगे। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की बात करें तो जब मानव सोचना शुरू किया, जब मानव के दिमाग में इतना दिमाग उसका विकसित हो गया कि आखिर ये पृथ्वी है क्या, ये पृथ्वी आई क्या, क्योंकि देखिए आप किसी भी रिलीजन को देखेंगे, किसी भी धर्म को देखेंगे, आप बुद्धिज्म की बात करें, आप जैनिज्म की बात करें, आप हिंदुइज्म की बात करें, आप क्रिश्चियन की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें, सभी धर्म ने अपने अपने माइथोलॉजी के हिसाब से, सभी वैज्ञानिक अलग अलग देश के वैज्ञानिक, अलग अलग जगहों के वैज्ञानिक, अलग अलग जो थिंकर थे, सभी का अल्टीमेट थीम क्या था कि आखिर हम मानव हैं, तो हम मानव क्यों हैं, हमें मानव किसने बनाया, ये पृथ्वी की, ये सृष्टि की रचना किसने किया, वो परमेश्वर कौन है, वो ईश्वर कौन है, वो इष्ट देव कौन है, अगर इष्ट देव है, अगर परमेश्वर है तो हमें दिखता क्यों नहीं है, अगर कुछ और है, इसकी उत्पत्ति होने का कारण कुछ और है जो हमारे साइंटिफिक नजरिए से लोगों ने देखने की कोशिश की, कहीं बहुत सारी थ्योरीज आई, बिग बैंग थ्योरी आप बहुत अच्छे से पढ़े होगे, महाविस्फोट का पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो सुने होगे, हिग्स, अभी LHC जो आपका हुआ था 2010 में, है ना, हिग्स और बोसान मिला के एक फिर से कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके बारे में पढ़ने की कोशिश किए थे हमारे वैज्ञानिक, तो उन्होंने जो अपने दृष्टि से देखा कि आखिर ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये पृथ्वी कैसे आया, ये ब्रह्मांड कैसे आया, ये यूनिवर्स कैसे आया, इन सारी चीजों की जानकारी हम बहुत ही विधिवत तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अब की क्लास में इसे समझेंगे। क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज दिए, ये आज की बात नहीं है, मैंने क्या बोला, इरथास्तनीज
264 बीसी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया और उससे पहले भी लोग सोचे होंगे। हमें जहाँ का साक्ष्य मिलता है, जहाँ पे हमें हमें जानकारी मिलती है, हमें किताबों में लिखी बात मिलती है, वहां तक तो हम सोच पाते हैं। उससे पहले क्या मानव नहीं थे? उससे पहले मानव सोचते नहीं थे? उससे पहले उन्होंने सोचने की कोशिश नहीं की होगी? जरूर की होगी, क्यों नहीं कोशिश की होगी? अगर हम 2000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो भले उन पांडुलिपियों को हमने डिसाइफर नहीं कर पाया, हमने उसे डिकोड नहीं कर पाया, हम समझ नहीं पाए क्या वो लिखे क्या नहीं लिखे, लेकिन उनके अंदर भी तो ज्ञान रहा होगा, ये हमारा इतिहास तो बताता ही है। उनके अंदर भी एक समझ रही होगी, उन्होंने भी जानने की कोशिश किया होगा। तो ये समय समयांतर से चलता चला आ रहा है इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में। तो आपके सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जैसे कि लोग सोचना शुरू किए, और उसके बाद हम देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो लोग केवल ये सोचने में व्यस्त थे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हें तो बाद में पता चला कि पृथ्वी से बाहर भी कुछ है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कुछ है, हमारे इस गैलेक्सी से बाहर कुछ है, और उसे ब्रह्मांड बोले, ये ब्रह्मांड अनंत है। तब उन्हें समझ में आया कि हम जो प्राणी हैं बहुत ही सूक्ष्म हैं, बहुत ही छोटे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हम एकदम नेग्लिजिबल बोलेंगे, एकदम ही सूक्ष्म बोलेंगे, जो कुछ भी उसका रिलेवेंस नहीं है इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे ब्रह्मांड में। तो अलग अलग जो ज्योग्राफर थे, थ्योरी दिए, थ्योरी मेनली आपकी जो थ्योरी है वो तीन तरीके से होती है। कुछ थ्योरी को हमने मोनोलिस्टिक थ्योरी बोला, बताऊंगा मैं क्या है, कुछ थ्योरी को डुअलिस्टिक थ्योरी बोला, कुछ को मॉडर्न थ्योरी, जो आज की थ्योरीज कहती है। मोनोलिस्टिक थ्योरी मतलब अद्वैतवादी संकल्पना, है ना, द्वैतिक मतलब द्वैतवादी, द्वैत मतलब दो, दो क्या, दो हमारे सेलेसियल बॉडीज, दो हमारे सूर्य। बहुत सारे ऐसे थिंकर, फिलोसोफर, ज्योग्राफर थे, भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने सोचा, जो सब जब पृथ्वी के बारे में सोचना शुरू किए और थोड़ी उनकी समझ डेवलप की, तो पहले तो यही सोच पा रहे थे कि ये हमारी पृथ्वी कहां से आ गई, फिर उनका थोड़ा सा और समझ डेवलप हुआ तो उन्हें सोचा सोलर सिस्टम के बारे में, क्योंकि भाई हमें सोलर सिस्टम तो पहले से ही दिख रहा था, कैसे नहीं दिख रहा था, नहीं ज्यादा दिख रहा था, तो हमें पृथ्वी और प्रकाश देने वाला वो सूर्य, और रात में चमकने वाला, प्रकाश देने वाला वो चंद्रमा, और हमारे जो तारे थे वो तो हमें दिख ही रहे थे। तो हमारी जो सोच थी, जो हमारे ऐसे क्लासिकल जिन्हें बोल सकते हैं थिंकर थे, उन्होंने सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में सोचना शुरू किया। बहुत सारी थ्योरी, जैसे कोपरनिकस के बारे में पढ़े होंगे, है ना, इन्होंने किसी ने बोला कि जो सूर्य है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि हमें सूर्य ही आता जाता दिखाई देता था। बाद में कोपरनिकस है, उन्होंने बोला नहीं, ये सूर्य नहीं है, ये तो पृथ्वी है जो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो ये सब जब पढ़ना शुरू किए, तो एक ऐसे थॉट, जब हमें केवल किसके बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना था, हमने वहां पे द्वैतवादी, अद्वैतवादी, और वहां पे द्वैत मतलब दो, तो ये पृथ्वी कहां से आई, ये सोलर सिस्टम कहां से आया, ये सूर्य कहां से आया। कुछ लोगों ने माना कि एक ही तारा था, उसे बोले क्या, अद्वैतवादी, मोनोलिस्टिक मतलब कि सिंगल। किसी ने माना नहीं, ये सूर्य एक नहीं था, सूर्य तो था और एक दूसरा ग्रह आया, दूसरी कोई बॉडी आई, दूसरा कोई कॉमेट आया, कोई उल्का पिंड आया, कोई पुच्छल तारा आया जो सूर्य से टकराया, और सूर्य से टकराने के बाद बहुत छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो गए, और उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारा क्या हुआ, हमारी एक पृथ्वी है, और तमाम ये ग्रह हैं और चंद्रमा है। तो जब उन्होंने दो की परिकल्पना की, उन्होंने अपनी थ्योरी में दो बॉडी को डाला, तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, द्वैतवादी है, डुअलिस्टिक है। जब उन्होंने सोचा कि केवल सिंगल से आया, तो उन्होंने बोला कि मोनोलिस्टिक है। और आज की हमारी मॉडर्न थ्योरी, जहां पे आप बिग बैंग थ्योरी, आप स्टडी स्टेट थ्योरी पढ़ोगे, आप एक्सपेंशन इन्फ्लेशन थ्योरी पढ़ोगे, आप साइमुलेशन थ्योरी पढ़ोगे, आप इन सारी थ्योरीज की जब बात करोगे, तो वो सारी थ्योरी हमारी क्या आएंगी, मॉडर्न आएंगी। तो एक एक के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार फ्लो चार्ट आप देख लो, अद्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना और आधुनिक सिद्धांत। अद्वैतवादी संकल्पना यानी मोनोलिस्टिक थ्योरी की अगर बात करें, तो मोनोलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है, इसमें चार जो मेन थ्योरी, तो बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो चार मेन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉमेट के बारे में पढ़ेंगे, बाफ्ते द कफन इन्होंने
कॉमेट थ्योरी के बारे में बताया, गैसियस थ्योरी के बारे में बताया, कांत ने नेबुला थ्योरी के बारे में, लाप्लास ने बताया, और मेटियार थ्योरी के मेटियोटिक थ्योरी के बारे में कौन बताया, लोकियार ने बताया। तो ये चार हमारी परिकल्पना है मोनोलिस्टिक में, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। पुच्छल तारा, वाव्य राशि, निहारिका यानी कि नेबुलर, और उल्का पिंड यानी कि लोकियार ने जो बताया कि मेटियोर्स आए। मैं बताऊंगा एक एक चीज अभी एक्सप्लेन करूंगा, समझिएगा। अभी हम एक बार फ्लो चार्ट देख लें, फिर ताकि मैं बाद में फ्लो चार्ट आपको फिर दिखाऊंगा, ताकि आपकी क्रोनोलॉजी दिमाग में बैठ जाए, एकदम रटा रहे। डुअलिस्टिक में जो मेजर आपके हैं वो क्या है, ग्रिहार्ड या प्लेनेटेसिमल बोले इसे, जिसे चैम्बरलेन और मोल्टन ने दिया, ज्वारीय यानी टाइडियल परिकल्पना हुआ, जेम्स ने दिया, एच एन रसल ने द्वै तारक संकल्पना दिया, जिसे बाइनरी बोलेंगे, कि सूर्य और जो टकराया उसके अलावा भी कोई था, वहां पे परिकल्पना क्या आया, बाइनरी आया। विखंडन यानी कि फिजन, दो चीजें अलग होके बनी, उसमें राशजन ने दिया इस थ्योरी को। नौतारा परिकल्पना दिया लिटिलटन ने दिया, सेफिड दे दिया जो एसी बनर्जी ने 1942 में दिया, और ये भारतीय ऐसे भूगोलविद थे जिन्होंने बहुत अच्छी थ्योरी दी, मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा। और एक हमारा क्या है, इंटरस्टेलर यानी अंतर तारक धूल। इंटरस्टेलर आपने मूवी भी देखी होगी, जहां पे एक संकल्पना है, एक थ्योरी है कि बहुत सारे यूनिवर्स हैं, बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स हैं, सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। एक ही बातें हम शुरुआत करेंगे अद्वैतवादी संकल्पना से, और सबसे पहले हम पुच्छल तारा संकल्पना देखेंगे कि पुच्छल तारा क्या है। कास्ते द बफन नाम के एक ऐसे भूगोलवेत्ता थे, एक ऐसे फिलोसोफर थे, एक ऐसे थिंकर थे, जिन्होंने पुच्छल तारा परिकल्पना दिया। इस परिकल्पना क्या कहती है, इन्होंने बोला कि एक तो हमारा सूर्य था और एक दूसरा ग्रह नहीं, हमारा क्या आया, कॉमेट आया, है ना, कॉमेट आया, पुच्छल तारा आया, और उसने सूर्य से आके टकराया, और जब सूर्य से टकराया तो वो बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया, जो छोटे छोटे उसे टुकड़े मिले, और जो ये छोटे छोटे टुकड़े मिले ये आपस में जाके बाद में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होके ऐसे ही एक छोटा छोटा ऐसे ऐसे सब आपस में इकट्ठा होते गए और एक क्या, पृथ्वी का रूप ले लिए। तो उनकी संकल्पना जो थी कि पृथ्वी हमारी ऐसे बनी, उनकी संकल्पना थी कि सूर्य हमारा ऐसा बना, कोई एक ऐसी बॉडी रही होगी, कोई एक ऐसा तारा रहा होगा, और कोई पुच्छल तारा आके उससे टकराया, जिससे बहुत सारी धूल हुई, बहुत सारे छोटे छोटे कण हुए, और वो समय बीतते के साथ, समय समयांतर के साथ, कालांतर के साथ उन्होंने देखा, उन्होंने ये पाया, उन्होंने ये समझा, सोचा कि ये छोटे छोटे तारे किसी फोर्स से, वो फोर्स नहीं पता, उन्होंने बाद में ग्रेविटेशन नाम दिया जब न्यूटन आए, किसी ताकत से, किसी पावर से वो आपस में मिले और ऐसे करके एक बड़ी सी बॉडी बनी। तो सूर्य बना, ऐसे ही सूर्य से पृथ्वी बनी, ऐसे ही और भी ग्रह बने, इन्होंने इस थ्योरी को दिया। लेकिन इस थ्योरी को क्योंकि इन्होंने सबसे पहले देने की कोशिश की, तो काफी हद तक जो अन्य लोग थे वो सेटिस्फाई हो गए, काफी लोग को समझ में आ गया, नहीं यार ऐसा हो सकता है, एकदम पॉसिबल है, साइंटिफिकली पॉसिबल है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे टेलीस्कोप की खोज होती गई, जैसे जैसे कंप्यूटर की खोज होती गई, जैसे जैसे इंसान का दिमाग और डेवलप होता गया, उन्होंने इस थ्योरी में बहुत ही कमियां पाई। कमियां क्या पाई, जब वो आगे आए और देखे कि नहीं यार अगर ऐसा होता कि कोई कॉमेट आके किसी तारे से टकराया और उसी से सब बने, तो फिर सभी ग्रहों की एक ही जैसी स्थिति होनी चाहिए, सभी ग्रहों के जो रॉक्स हैं, जो मटेरियल्स हैं जिससे वो बने हैं, वो सभी एक ही जैसे होने चाहिए, फिर अलग अलग क्यों हैं, यहाँ पे रॉक्स अलग हैं, कहीं किसी दूसरे ग्रह पे रॉक्स अलग हैं, फिर पृथ्वी पे ही जीवन क्यों संभव हुआ। और जब वो सारे प्रश्न उठने लगे तो उन्होंने देखा कि नहीं यार ये इतना फैक्टर तो नहीं। एक बात हमें दिमाग में छोटी समझिएगा, आज भी कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो 100% ये बोल दे नहीं यही ऐसे ही हमारा यूनिवर्स बना, ऐसे ही हमारी पृथ्वी बनी। अलग अलग फिलोसोफर, अलग अलग ज्योग्राफर, अलग अलग भूगोलवेत्ता अपने थ्योरी देते गए हैं, और उनमें से कुछ सही लग रही है, कुछ नहीं सही लग रही है। आज जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो नेबुलर हाइपोथेसिस आज भी है, यानी कि आपकी नेबुलर की परिकल्पना। तो इसे अच्छे से देखते हैं, निहारिका परिकल्पना क्या है। कांट ने बोला
सबसे पहले कांट ने आए और कांट ने क्या बोला कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था कि पहले से ही वहां पे एक तारा अवेलेबल था और वहां से एक टक्कर मारा, पिछला तारा आया टकराया और बन गया, ऐसा कुछ संभव नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारी कमियां होंगी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये जो हमारी पूरा इन्वायरमेंट है, जो सोलर सिस्टम है जिसे आज हम अपना सौरमंडल बोलते हैं, यहाँ पे पहले एक धूल थी, एक क्लाउड था, एक गैस था, ऐसे गैस थे जहां पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी धूल थी और ये आपस में टहल रहे थे, वहां पे एक संगठन बनाए हुए थे बहुत सारा, जैसे धुआं धुआं सा होता है तो आपको दिख रहा होगा। उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ धूल जैसा, जब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट टाइप में थे, और डस्ट होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप आगे भी थ्योरी पढ़ोगे, जब बर्फ जमती है तो बर्फ को जमने के लिए भी एक न्यूक्लियाई की जरूरत पड़ती है जिसकी सराउंडिंग में जमना शुरू करे। तो ये जो कण थे, उन कण के कारण वो जो बाकी गैस थे उसके इर्द गिर्द, ये आपका कण है और कण के इर्द गिर्द ये आपका क्लाउड का फॉर्मेशन होने लगा और ऐसे वो एक पार्टिकल बना, और ऐसे ऐसे करके 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे से मिलते चले गए, तो वो और कुछ घना, कुछ और कंडेंसा हुआ। फिर उन्होंने और बताया कि समय जैसे जैसे बीते गए ये और घना हुआ, और जैसे जैसे फिर घना हुआ ये जैसे जैसे मिलते गए इसके पार्टिकल के साथ, तो इनके आपस में टकराने के कारण, क्योंकि ये पार्टिकल है, पार्टिकल कंडेंस हुआ तो थोड़ा बड़ा शेप लिया तो उसके कारण उनमें अट्रैक्शन आया, अट्रैक्शन के कारण ये आपस में कंडेंस हुए मिले, और जैसे जैसे आपस में मिलते गए, आपस में टकराते गए, उनके अंदर एक एनर्जी आती गई, उनके अंदर एक ऊर्जा आती गई, और वो ऊर्जा इससे क्या करने लगा, इससे घुमाने लगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करने लगा, घुमाने लगा। तो ये जब घूमने लगा, ये जो गैस का क्लाउड था, ये जो हमारा बादल था गैस का, ये जो हमारा धूल का बादल था, ये घूमने लगा, और घूमते घूमते एक बार जैसे जैसे पार्टिकल आते गए, जैसे जैसे इसमें इसका मास बढ़ता गया, इसका द्रव्यमान बढ़ता गया, इसका साइज बढ़ता गया, इसकी जो रोटेशन स्पीड थी वो बढ़ती चली गई। आप देखे होंगे जब आप बाल्टी में पानी खासकर घुमाते हो तो एकदम किनारे वो एकदम अपना वो पकड़ लेता है, एकदम अपना जो पेरिफेरी पकड़ लेता है, ऐसा होता है कि नहीं, बीच का पोर्शन खाली हो जाता है और पानी किनारे किनारे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पे लगता है। तो इसके कारण, घुमाव के कारण हर तरफ बल लगने लगा, जिसे इन्होंने अब केंद्रीय बल बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला, केंद्र से बाहर को बल लगने लगा, और जिसके कारण एक डिस्क जैसा फॉर्मेशन बना, और वो डिस्क क्या हुआ, वो डिस्क बीच पार्ट से अलग हो गया। तो बीच का पार्ट से डिस्क अलग हुई, और इसी डिस्क में समय के साथ साथ अलग अलग हमारे ग्रह बनते गए। आपको समझ में आ रहा होगा, अभी समझिएगा, ये घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी तेज होती गई और ये डिस्क बन गया, एक रिंग बन गया। तो ये जो आपके डिस्क का एक रिंग है, यहां से ये बाहर वाली रिंग इससे क्या हो गई, अलग हो गई। तो जो बाहर वाली रिंग अलग हुई, मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं, ये घूम रहा है और घूम रहा है तो वहां पर ये बाहर वाली रिंग उससे अलग हुई, और इसके अलग होने के बाद एक दूसरी रिंग अलग हुई, उसके बाद एक तीसरी रिंग अलग हुई, उसके बाद एक चौथी रिंग अलग हुई, और ऐसे ऐसे करके आठ छल्ले, पहले तो 9 बोलते थे, 9 छल्ले अलग हुए, और समय कालांतर के साथ वो फिर से संगठन हुआ और उसमें एक ग्रह बना, और उसी को मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून बोलते चले गए। मरकरी यानी कि बुध, है ना, बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, हमारा बृहस्पति, शनि, वरुण, वरुण, इन सब के बारे में इन्होंने बताया कि ऐसे ही बना। बहुत हद तक ये भी बहुत अच्छा लगने लगा, समझ में भी आ गया, हाँ यार ऐसा हुआ होगा, और यही कारण ये जो छल्ले बनने लगे, इन छल्ले ही तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, आपको ऐसे दिख रहे होंगे, और ये जाके समय के साथ साथ अलग अलग अपना, ये आपका शनि, ये अलग अलग आपके ग्रह बनते चले गए, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका सोलर सिस्टम ऐसे जाके बन गया। तो इन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या बोला, कांट महोदय, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने कांट महोदय ने इसका बोला, और इन्होंने गैसियस थ्योरी, इस थ्योरी को उन्होंने क्या बोला, गैसियस थ्योरी बोला, है ना, कि पहले क्या था, गैस था, और गैस से संघनन हुआ, पार्टिकल्स आके मिले, और मिलने के बाद स्पीड बढ़ी तो डिस्क अलग हुआ, डिस्क अलग हुआ तो बाद में संघनन के कारण अलग अलग ग्रह बने। लेकिन इन्होंने
ये नहीं समझ पाए कि ऐसा कहने में उन्होंने फिजिक्स के बहुत सारे रूल को गलत ठहरा दिया। बाद में जब न्यूटन महोदय आए, बहुत में बहुत ऐसे ऐसे साइंटिस्ट आए, ऐसे ऐसे विद्वान आए जिन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, अपने अपने फॉर्मूला दिए, उन्होंने जब और चीजों को समझाया तब कांट महोदय वहां पे गलत होना साबित हो गए कि कैसे गलत होने लगे। उन्होंने एक बात में ध्यान दीजिएगा मैंने बोला था कि जैसे जैसे उन्होंने बताया कि जैसे जैसे पार्टिकल, यहां पे देखिएगा उन्होंने बोला यहां पे जैसे जैसे पार्टिकल मिलते गए उसकी स्पीड बढ़ती गई, उसमें एक वेलोसिटी आती गई। आप अगर फिजिक्स में पढ़े होगे, कक्षा 12 में पढ़े होगे मेरे ख्याल से, नहीं पढ़े होगे तो मैं आपको बता दूं, जब इंसान का मास, इंसान नहीं बोलेंगे किसी भी बॉडी बोलेंगे, किसी बॉडी का मास बढ़ता है, उसका द्रव्यमान बढ़ता है, उसकी साइज बढ़ती है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कम होता है। कैसे? आपने बचपन में झूला झूला होगा, एक झूला जो होता था जहां पे 3 बच्चे खड़े होते थे ग्राउंड में, उस पे खड़े और एक बच्चा उसे कस के घुमाता था, ऐसे एक होता था ना यहां पे, ये ऐसे करके एक झूला होता था, यहाँ पे आप खड़े होते थे, यहाँ पे और एक बच्चा इसे घुमाता था और आप इसे पकड़ के पीछे करके ऐसे करके पकड़ते थे, खूब दूर रहते थे तो घुमाता था, फिर जैसे ही आप तीनों लोग पास में आ जाते थे तो बहुत तेजी से नाचने लगता था। तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगती थी, आप समझोगे, जब चीजों की साइज बढ़ेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम कम होना चाहिए। इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे पार्टिकल आते गए वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती गई। गलत हुए कि नहीं हुए? फिजिक्स के हिसाब से कांट महोदय गलत हो गए। कैसे गलत हुए? कि एंगुलर मोमेंटम साइज के साथ बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने बोला, अभी हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का एंगुलर मोमेंटम काफी ज्यादा है, सूर्य का जो एंगुलर मोमेंटम है पूरे सोलर सिस्टम का मात्र 2% है, तो वहां पे भी गलत हो गया क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से इन्होंने दिया था। अब समझिएगा कि एंगुलर मोमेंटम साइज बढ़ने के साथ कम होगा। भाई कई बार देखते हो कि जो एक्रोबेट होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जब वो लोग कला कर रहे होते हैं तो हाथ फैलाते तो धीमे धीमे घूमते हैं और जब उन्हें तेज घूमना तो हाथ सिकोड़ लेते हैं, खूब तेजी से घूमने लगते हैं। तो ये वही कारण है, जैसे जैसे उसकी साइज कम होगी वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। तो पहला फिजिक्स का रूल इन्होंने गड़बड़ किया। दूसरी बात इन्होंने बोला कि ये सब ठीक है, ये गैस था, ये डस्ट था, ये संघनन हुआ और यहां पे जाके एक नेबुला जैसे बना, इस रूप को उन्होंने नेबुला बोला। वो नहीं बोले, बाद के लोग बोले, लेकिन वो बाद में जस्टिफाई करने की कोशिश किए कि ये हमारा नेबुला ही था और इससे बोले, नेबुला बनाने के चक्कर में बोले कि इसमें एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल के लड़ने से एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नेबुला का फॉर्मेशन ऐसे नहीं हुआ, पार्टिकल के टकराने से जरूर नहीं है कि एनर्जी वहां पे, न्यू एनर्जी डेवलप हो वहां पे, ऐसा कोई भी परिकल्पना नहीं है, ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है। तो बाद में कांट महोदय को गैसियस कांट की वायव्य राशि परिकल्पना को सही करने के लिए बाद में लाप्लास महोदय आए और लाप्लास महोदय एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हैं, जानते ही होंगे, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे तो आपको मजा भी आ रहा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़े होंगे, तो वो वही लाप्लास महोदय हैं जिनको आपने सॉल्व करके आया है, जिनपे आपने सवाल लगा के आया है। तो कांट महोदय को सही करते हुए, उनकी थ्योरीज में थोड़ा सा और भी इंप्रूवमेंट करते हुए, सुधारते हुए बोले, उन्होंने बोला कि यार ये सब बात छोड़ो कि गैस थी, गैस से पार्टिकल टकरा के आए तब नेबुला बना, उन्होंने बोला कि नेबुला पहले से ही मौजूद था। अब देखो, उन्हें तो बचना था ना, कुछ तो बोलना ही था, कुछ पढ़ लिए थे, दिमाग में कुछ तो उनके घूम रहा था, अपने आप को बड़ा दिखाना था, बोलते ना अंदर से वो कीड़ा जग गया था कि नहीं मैं भी तो साइंटिस्ट हूं और मैं किसी से कम नहीं हूं, मैथमेटिशियन हूं, तो ज्योग्राफिस्ट क्यों नहीं हो सकता हूं, मैं भूगोल वेत्ता क्यों नहीं हो सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि चलो भैया, पहले से ही नेबुला मौजूद था, नेबुला बना नहीं, अब कहां मौजूद था ये तो शायद जवाब मैं भी नहीं जानता हूं, ये जवाब आप भी नहीं जानते हो, ये बात शायद साइंस भी आज भी नहीं जानती है, और अभी भी बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से चलती है तो बोलती है नहीं यार, फिर तो कांट महोदय सही है कि उन्होंने बोला कि संघनन होकर नेबुला बना, तो नेबुला आज भी वैसे बन रहा है, तो फिर आप उन्हें गलत कैसे ठहरा पा रहे हो। लेकिन अल्टीमेटली उन्हें सही तो होना ही था। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नेबुला अलग था और उसके बाद जो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम वाला बताया कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे एक एक, इन्होंने क्या बोला था ध्यान दीजिएगा, कांट ने बोला कि एक एक छल्ला अलग होता गया। इन्होंने उसका सलूशन निकाला, कहा ऐसा नहीं है, नेबुला पहले ही मौजूद था, संघनन हुआ, उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले से ही थी, वो घूम रही थी और एंगुलर वेलोसिटी के कारण वो पूरी की पूरी एक डिस्क ही अलग निकल के चली। क्या कहे कांट महोदय, मैं आपको एकदम बता रहा हूं, कांट महोदय ने बोला कि एक एक रिंग अलग हुई, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एक एक रिंग अलग हुई, एक एक जो
ग्रह थे वो अलग अलग बने, लेकिन लाप्लास महोदय ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नेबुला पहले से ही मौजूद था और ग्रेविटी के कारण, सेल्फ ग्रेविटी के कारण, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इन्होंने बोला कि सेल्फ ग्रेविटी के कारण जो गैस का हुआ वो संघनन हुआ, और जो गैस का संघनन हुआ उसके बीच का जो पार्ट था वो अल्टीमेटली एक प्लेनेटेशियल, एक ग्रहाणु के रूप में हो गया, एक ग्रह के रूप में बना, और उसके जो बाहर का जो पार्ट था एक छल्ला के रूप में बना। ये शायद अगर आप अच्छे से देख पा रहे हो, एक छल्ला के रूप में बना, और फिर वहां पे सेंट्रल मास जो बना उसे उन्होंने बोला प्रोटोसन, बोले प्रोटोसन इसे बोले, और ये अलग हो गया, और ये छल्ला पूरा, ये डिस्क पूरा अलग हो गया, और डिस्क अलग हो गया तो बाद में अलग डिस्क में अलग अलग फॉर्मेशन हुआ और सूरज का फॉर्म। तो यहां पे तो ये बच गए, क्योंकि इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं बताया, इन्होंने बोला पहले से मौजूद था, इन्होंने नेबुला के बारे में कुछ नहीं बताया, है ना, इन्होंने ये नहीं बताया कि नेबुला बना कैसे, ये सिंपल से बोले कि पहले से ही निहारिका मौजूद थी, पहले से ही नेबुला मौजूद था, तो उसी को बोले कि ये क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस है। बात समझ में आ गई? तो क्योंकि इन्होंने पहले से बोला कि नेबुला जो था, ये आप नेबुला देख पा रहे हो, ये नेबुला पहले से ही मौजूद था, और ग्रेविटेशन के कारण इसमें जो कंडेंसेशन हुआ, जो आपस में इनका मास का संघनन हुआ, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बाद में आया, इसके कारण क्लाउड्स को एक साथ कर लिए, बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट एक साथ हो गया, और जो उसकी डिस्क थी वो बाद में अलग हो गई, उससे क्या हुई, अलग हो गई। बात समझ में? तो उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां पे लगाया, और क्योंकि नेबुला को पहले से मान लिए, इनकी हाइपोथेसिस क्या कहलाई, नेबुलर हाइपोथेसिस कहलाई, नेबुलर हाइपोथेसिस या निहारिका, निहारिका परिकल्पना ऐसे कहलाई। तो फिर से ध्यान देंगे, सबसे पहले कौन, काफ्टे द बफन ने बोला, उन्होंने बोला एस्टेराइड आके टकराया, फिर उसके बाद कांट महोदय आए, उन्होंने ज्यादा अच्छी थ्योरी देने की कोशिश की, भले ही फिजिक्स के रूल को थोड़ा तोड़ा, भले ही उन्होंने रूल लगाया, कोई जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सही करते हुए लाप्लास महोदय आए जो नेबुलर हाइपोथेसिस बोले, और कहीं ना कहीं इनने उनकी कांट की कमियों को तो दूर कर लिया, लेकिन नेबुला कहां से आया वो नहीं बता पाए, निहारिका कहां से आया ये नहीं बता पाए, और यही कारण है कि भले निहारिका ये नहीं बता पाएगा, लेकिन निहारिका तो था ये कंफर्म बता दिए, तो इसीलिए ये जो थ्योरी है आज भी ज्यादा मानी जा रही है, अगर हम केवल अर्थ के, अगर हम केवल पृथ्वी के, या हम केवल सूर्य के, या हम केवल किसी पर्टिकुलर ग्रह के, ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, ग्रह की बात कर रहे हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो बहुत हद तक ये सही है। एक चौथा था मेटेरोटिक था, जो क्या कहता है कि जो हमारे उल्का पिंड है वो आके टकराए, जिसके कारण से जमाव होता गया, कांट के थ्योरी के हिसाब, कांट नहीं सॉरी काफ्टे द फबन की थ्योरी के हिसाब से बताया, समझाता हूं। ये जो आपका पहला फिगर था, है ना, ये पहला फिगर था, इन्होंने पुच्छल तारा यानी कि कॉमेट के बारे में बताया, उन्होंने बोला कि ऐसे मेटियोस का बम्बार्डमेंट हुआ, भाई पृथ्वी की उत्पत्ति में भी बाद में पता चला कि बहुत सारे मेटियोस बाद में टकराते पृथ्वी पे चले गए, ये हमें समझ में आया, तो उन्होंने बोला ऐसे ही सारे के सारे हैं, लेकिन ये भी कास्ते द बफन भी और हमारे कौन जो मेटेरोटिक दिए हैं, दोनों ने ये समझाना भूल गया कि भाई जो हमारा पुच्छल तारा होता है, जो कॉमेट होता है, उसकी साइज बहुत छोटी होती है और वो आइसी होता है, मतलब कि बर्फ का बना होता है, तो जैसे जैसे एक गर्म सूर्य के पास आएगा, एक बर्फ का गोला गर्म सूर्य के पास आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वेपराइज हो जाएगा। कई बार आप आसमान में देखते हो एक चमकता सी चीज, एक चमकती सी चीज ऐसे पीछे पूंछ लिए चलती चली आ रही है, खूब चमकती सी, उसे क्या बोलते हो, पुच्छल तारा ही तो बोलते हो, तो पुच्छल तारा क्या होता है, पीछे वो चमकता हुआ होता है, वो क्या होता है, वो जो बर्फ होता है उसी का वेपर होता है, और सोलर विंड के कारण, हम सूर्य में ये चीजें अच्छे से पढ़ेंगे, सूर्य के गर्मी के कारण, सूर्य के उस तूफान के कारण इसका वाष्पीकरण होता है, और ये सूर्य के विपरीत दिशा में, अगर सूर्य इधर है तो इसकी पूंछ क्या रहेगी, इधर रहेगी, इसके विपरीत दिशा में, क्योंकि इधर सूर्य की तरफ से एक विंड चल रही होती है, एक गर्म हवाओं का तूफान चल रहा होता है जो इसे वेपराइज करता है, दूसरी तरफ करता है, तो ये हमें चमकता हुआ रात में दिखता है, तो ये बात में पता चला, इसलिए वो क्या हो गए, गलत हो गए कि वो उस पे आके टकरा ही नहीं सकता है, टकराने से पहले ही वो जल के खत्म हो जाएगा, तो उसकी क्या भला औकात कि तोड़ के छोटे छोटे टक्कर में वो आपको करेगा। तो समझ में आ गए, ये हमारी क्या थी, ये हमारी जो ये परिकल्पना थी मोनोलिस्टिक परिकल्पना में, पुच्छल तारा, वाविराश यानी कि गैसियस जो कांट महोदय ने दिए, निहारिका जो लाप्लास महोदय ने दिए, और मेटियोरिक जो लॉकियर महोदय ने दिए, लॉकियर की स्पेलिंग ये है, इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, ये है लॉकियर,
है ना, लॉकी और महोदय ने मीटर थे, तो ये दोनों लगभग सेम थे, दोनों इन दोनों की थ्योरी लगभग एक जैसी थी, इन दोनों की थ्योरी लगभग एक जैसी थी, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मान्य है वो क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस सबसे ज्यादा मान्य है। ये खत्म होने के बाद कुछ ऐसे भी लोग थे जो डुअलिस्टिक थ्योरी दिए, डुअलिस्टिक थ्योरी में क्या बोले, डुअलिस्टिक थ्योरी में बोलेंगे ऐसा नहीं था भाई कि एक ही वहां पे तारा था, उन्होंने बोला एक तारा तो था उसके साथ उसका एक तारा और था। भाई आज दो लोग जोड़े में होते हैं ना तभी तो अच्छा लगता है, लड़का है तो उसके साथ लड़की है, पति है तो उसके साथ पत्नी है, माँ है तो उसके साथ बाप है, भाई है बहन, अलग अलग मतलब दो कोई नहीं, वो आप अलग रिलेशन मत लेके जाइएगा, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये चीजें पहले से ही दो के फॉर्म में थी, और आज भी बहुत सारी ऐसे थ्योरी बोलती है कि ऐसे बहुत सारे तारे, ऐसे बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं जो एक बाइनरी सिस्टम बनाते हैं। भाई चंद्रमा और पृथ्वी भी तो एक बाइनरी सिस्टम बना रहा है, दो तारे दो तारे का सिद्धांत है, तो इस बात को हम समझेंगे कि वहां पे उन्होंने बोला कि ये दो पहले से थे और दो पहले से जब पास में धीरे धीरे आए तो इनके आने के कारण आपस में ग्रेविटेशन पुल के कारण आपस में कुछ और फोर्स थे उनके कारण इसका भी कुछ मास इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, इसका कुछ मास इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और फिर समय के साथ ये आगे बढ़ गया, आगे चला गया, आगे ये चला गया, और इसके साथ ही अब ये पिंड उसका टूट गया और ये यहां से अलग हो गया, ये यहां से अलग हो गया, तो ये छोटा सा टूट के यहां पे रह गया और टूट के रह गया, तो बाद में इसी में क्या आ गए, ग्रह आ गए, ग्रह बन गए। ये इनकी परिकल्पना थी, और सबसे पहले ये जो बाइनरी सिस्टम देने वाले, डुअलिस्टिक थ्योरी देने वाले, द्वैतवादी सिद्धांत देने वाले कौन थे, आपके चैम्बरलेन और मोल्टन थे। चैम्बरलेन और मोल्टन ने सबसे पहले ये थ्योरी दी थी कि भाई वहां पे तारा एक नहीं था, तारा दो था, और उसके आपस के प्रभाव के कारण चीजें अलग अलग हुई जिसके कारण से एक मास अलग हुआ और बाद में हमारा पूरा सोलर सिस्टम बना। बात समझ आएगी, अब वो चला गया, तारा चला गया और ये मास इसका चक्कर लगाने लगा, ये मास इसके ऑर्बिट में घूमने लगे, ये ग्रह इसके ऑर्बिट में घूमने लगे, और यही उसका क्या बना दिया, ये पूरा सूर्य का हमारा सोलर सिस्टम बना दिया। समझ में आ गई आपको बात, तो सोलर सिस्टम इनकी थ्योरी ये थी, जरूरी की थ्योरी सही हो, और सही हो भी नहीं सकती, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सही एकदम नहीं हो सकती, मैं भी सही हो, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ता गया हमारे पास अलग अलग थ्योरीज आती गई, ये कई जगह पे गलत होते चले गए। कैसे गलत हो गए कि अगर अच्छा एक चीज ने समझने की कोशिश की, एक जो क्वेश्चन था कि भैया अगर इसी से टूटे तो जो सारे ग्रह हैं वो सूर्य की तरह ही होने चाहिए। अब सूर्य मोस्टली किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, लेकिन अगर आप अलग अलग ग्रहों की बात करोगे तो किसी पे सल्फर का क्लाइमेट है, किसी पे आप में जैसे पृथ्वी यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो फिर ये इन्वायरमेंट अलग कैसे हुए, इनका मटेरियल कैसे अलग हुआ, कहीं पे पृथ्वी पे लोहा ज्यादा पाया जा रहा है, कहीं पे जिंक ज्यादा पाया जा रहा है, तो फिर ये जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ ये अलग क्यों हुआ। इन्होंने एक बात तो समझाने की बहुत अच्छी कोशिश की, क्योंकि आप लोग जानते हो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें सोलर सिस्टम में आप समझते हो कि अगर ये सूर्य है तो सूर्य के जो शुरुआती चार ग्रह हैं, ये जो चार ग्रह हैं इसे टेरेस्ट्रियल ग्रह बोला जाता है, इसे ऐसे ग्रह बोला जाता है जो एकदम ठोस है, और बाहर वाले जो ग्रह होते हैं जोवियन ग्रह बोला जाता है जो गैसियस हैं, सैटर्न जुपिटर ये जो है हमारे क्या है जोवियन है ना, अरुण वरुण ये सब क्या है, नेपट्टून वगैरह ये सब हमारे क्या है, ये जोवियन ग्रह कहलाते हैं, गैसियस फॉर्म में है। तो इन्होंने ये समझाने की तो अच्छी सी कोशिश की कि ये टेरेस्ट्रियल है ये जोवियन है, क्योंकि जो जोवियन है वो इसके वाले थे और जो टेरेस्ट्रियल है वो इसके वाले थे, जो सूर्य के पास थे ये टेरेस्ट्रियल कहलाए और जो दूसरे वाले के थे ये क्या कहलाए, जोवियन कहलाए। बहुत हद तक अच्छा समझाए, और समझाए ना होते तो फिर ये थ्योरी हम पढ़ क्यों रहे होते, अगर कुछ भी सत्यता ना होती तो हम क्यों पढ़ रहे होते, हम तो खारिज कर देते ना, हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब कोई तो इनमें बात रही होगी। तो सबसे पहले ना, और ये बहुत क्योंकि पहले थे, क्योंकि दो तारों का सिद्धांत है ना ये इन्होंने सबसे पहले दिया, तो चैम्बरलेन और मोल्टन का नाम आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये थ्योरी ये हाइपोथेसिस ये कहती है। इसके आगे इनमें सुधार करते हुए जेम्स और जीन्स महोदय है, जेम्स और जीन्स महोदय ने भी कुछ ऐसा ही बोला, बोले हाँ एक सूर्य था उसका एक कंपेनियन तारा था, क्या कंपेनियन तारा, उसका साथी ग्रह है ना, कंपेनियन मतलब होता है साथी ग्रह, उसका कंपेनियन तारा था, कंपेनियन स्टार बोलेंगे है ना, सीएस, यह हमारा सूर्य था और यह हमारा कंपेनियन स्टार था। इन्होंने बोला कि इसके प्रभाव से यहां से कुछ टाइडल प्रभाव, इन्होंने क्या बोला, ये ज्वारीय परिकल्पना,
टाइड आप जानते हो, टाइड मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा होता है। आप समुद्रों में देखते हो कि पढ़े भी हो कि चंद्रमा के कारण उसकी सतह क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है रात के समय, है ना। या कभी भी दिन में दो बार ऐसा होता है कि जब समुद्र की सतह ऊपर आती है तो वो ज्वार भाटा, इसी को तो बोलते हैं टाइड, मतलब उसी को बोलते हैं। तो इन्होंने ज्वार ये परिकल्पना दी कि ऐसे ही इसके ग्रेविटेशन पुल के कारण सूर्य का कुछ पार्ट अलग हुआ, टाइड आया, उसकी लेवल बढ़ा, और लेवल बढ़ने के बाद क्या हुआ समझिएगा कि एक जो ज्वार भाटा हुआ ये तो चला गया, ये तो अपना चला गया, लेकिन ये टुकड़ा उसका जो ज्वार आया था वो अलग हो गया, और इससे इन्होंने एक फिलामेंट का नाम दिया, एक टाइड का नाम दिया, जैसे बल्ब का फिलामेंट ही होता वैसा कुछ आपको दिख रहा है, वो अलग हो गया, ये चला गया, तो समय के साथ साथ ये सूर्य का चक्कर लगाने लगा। ये क्या है, ये जो फिलामेंट है वो उसका टाइड है। तो ये इसने, आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये तारा इसका चक्कर ऐसे लगाने की कोशिश करने लगा, ये इसका चक्कर ऐसे लगा रहा है। फिर आपका समझिएगा, ये दूसरा तारा ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसी के चक्कर लगाने लगा। तीसरा तारा ऐसे ही आपका इसका चक्कर लगा रहा है, ये जो तारा बोलो ग्रह, तीसरा ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है। ऐसे आपका चौथा ग्रह ये चक्कर लगा रहा है, पांचवा ग्रह आपका ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये जो आपका एक फिलामेंट के रूप में अलग हुआ, तो टाइड था, ये ज्वार था, किसके कारण, एक उसके कंपेनियन स्टार के कारण। तो इसने इसको क्या बोला, ज्वारीय परिकल्पना बोला, टाइडल हाइपोथेसिस बोला। इन्होंने बिठाया तो बहुत बढ़िया, बिठाया बहुत बढ़िया कि भैया यहाँ पे अलग अलग तारे थे, जैसे जैसे पास हुए ये एकदम, और ये था क्या, ये भी अल्टीमेटली इन्होंने भी जो बताने की कोशिश किया, ये था क्या, ये सूर्य की बाहरी गैस ही तो थी, ये भी कुछ अलग नहीं बताया, बताए वही, लेकिन ये पूरा पार्ट बताया, समय के साथ बोले कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के साथ अलग अलग उसी में ग्रह बन गए, और ये ग्रह उसी फॉर्म में चक्कर लगाने लगे। किस, ये देखो इसकी स्पीड इधर है, ये ऐसे गया तो उसने भी अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसे वैसा ही मूव किया, और ये सीधे उसका चक्कर लगाने लगे। बिठाया बहुत बढ़िया, उन्होंने बोला ये मरकरी है, है ना, ये बुध है, यहाँ पे वीनस बोला, इसे पृथ्वी बोला, इसे मंगल बोला, उसे फिर जुपिटर बताए, बृहस्पति बताए, शनि बताए, अरुण बताए, वरुण बताए, सबको बहुत अच्छे से बिठा दिया, चक्कर भी लगवा दिया, सब लोग बहुत खुश भी हुए कि हाँ यार कुछ तो बात है जेम्स में। लेकिन अंततः इन्होंने भी बहुत सारी गलतियां बताते हुए कर दी, जैसे अब क्योंकि टाइड इसके कारण आया है ना, कंपेनियन स्टार के कारण जो टाइड हुआ, जो ज्वार हुआ, ये सोलर है, और सोलर है तो फिर ये सब के आठ के आठों जो ग्रह हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए, फिर अलग अलग क्यों, फिर कुछ गैसियस, कुछ जोवियन है तो कुछ टेरेस्ट्रियल है, अलग अलग क्यों, और अंततः ये भी कई जगह गलत हुए, इसलिए इनकी भी थ्योरी को थोड़ा बहुत खारिज कर दिया गया। तीसरे लोग हैं, इनको जेफरी भी आए, जेम्स जीन्स के बाद जेफरी भी आए, जिन्होंने क्या बोला, बोला ये दो तो थे ही, उन्होंने बोला भाई साहब वो और महान थे, उन्होंने बोला कि एक और ग्रह था, है ना, एक और ग्रह था, ये एक और ग्रह था जो इसके साथ ही था, ग्रह नहीं तारा बोलेंगे उसे, एक और तारा था, सूर्य था ही, सूर्य और उसका साथी तारा था ही, एक और था जो आके इससे टकरा गया, आके टकरा गया तो वो कॉमेट वाली थ्योरी, फिर छोटे छोटे टुकड़े बटे, और वो छोटे छोटे टुकड़े समय के साथ, कालांतर के साथ इसका चक्कर लगाने लगे। लेकिन समझाने का तरीका इनका भी बहुत अच्छा था, ये तो थोड़ा बहुत उन्होंने बता दिया कि हाँ ठीक है, जो अलग अलग प्लेनेट है इसके कारण उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनके जो पार्टिकल्स हैं अलग अलग, इसलिए क्योंकि कुछ इसके पार्ट रहे होंगे, कुछ इसके पार्ट रहे होंगे, लेकिन बहुत हद तक वो भी सही नहीं बता पाए। अब तीन तारे का सिद्धांत देते तो चले गए कि मतलब दो तारा तो था ही, सूर्य और उसका एक साथी तारा था ही, एक तीसरा आया उससे टकराया। इससे प्रेरित होके आपके जेम्स जीन्स और जेफरी के बाद एक थ्योरी और देने वाले, बहुत मस्त थ्योरी देने वाले, वो हमारे कौन से थे, द्वैतारक सिद्धांत, एचएन रसल महोदय आए। एचएन रसल महोदय ने क्या बोला कि तीन तारा था, दो तारे तो पहले से, एक सूर्य था, एक उसका कंपेनियन स्टार था, अब एक तीसरा तारा आया और उसके बगल से गुजर के चला गया। तीसरा तारा इस तारे के बगल से गुजर के चला गया, तो समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको क्या समझाना
चाह रहा हूं। इसके जब बगल से गुजरा तो यहां से एक पूरा पार्टिकल इसका अलग हो गया इसके कारण, और जैसे जैसे ये मूव किया, जैसे जैसे ये मूव किया, वैसे वैसे ही उसका मोशन ही बदलता चला गया, वैसे वैसे उसका मोशन बदलता चला गया। ये इधर मूव करता चला गया तो ऐसे ही ये भी रोटेट करते चला गया। अब इसमें क्योंकि फोर्स के कारण उसने वेलोसिटी दे दी, ये घूमने लगा, वो तो चला गया, समझने की कोशिश करेगा भाई ये दोनों आपस में एक अपना मंगल जीवन व्यतीत कर रहे थे, खुश थे दोनों, बहुत अच्छे से बहुत अच्छा खा रहे थे, बहुत अच्छा पी रहे थे, बहुत अच्छा पहन रहे थे, बहुत मजा आ रहा था। लेकिन तीसरा एक आया तो ये महोदय तो अपने आप को रोके रहे, लेकिन ये इसकी खूबसूरती के कारण अपने आप को रोक नहीं पाए, इसके प्रभाव में आके अपना जो कुछ था इसे लुटा दिया अंदर से, और जब चला गया तो टूट गए। टूट गए तो ये टूटा वो पार्टी, तो देखो आपकी भाषा में समझा रहा हूं तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना। ये पार्ट टूट गया, और पार्ट टूट गया तो यही जो छोटे छोटे पार्ट आपस में फिर से संगठन होके और सूर्य का चक्कर लगाने लगे, ऐसे हमारा सोलर सिस्टम का आया। ठीक, अब ऐसा करने से इन्होंने इससे तो बच गए, इन्होंने इस आलोचना से बच गए कि अगर सूर्य से टूटा तो सूर्य जैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम ज्यादा होना चाहिए, इससे बच गए कि ये तो दूसरे वाले तारे का है भाई। लेकिन 100% अभी भी बहुत सारे ये फिजिक्स के रूल को गलत ठहरा रहे थे और इस परिकल्पना को बहुत अच्छा माना नहीं गया। फिर ये तो हमारे ठीक है रसल महोदय थे। अब देखो कुछ, अभी एक नौ तारा सिद्धांत होता है, मैं आपको ये भी समझा दूं, इसी में समझा देता हूं। नौ तारा सिद्धांत होता है, नौ तारा सिद्धांत क्या है, लिटिल लिटिल महोदय ने नौ तारा सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या बोला कि चलो ये तो हमारे थे, तो से तीन थे, तीन से अब उन्होंने एक अलग बताया कि जो नेबुलर हाइपोथेसिस थी उसे मिला के और इनके तीन तारक सिद्धांत को अलग से मिला के बोले कि जब ये अलग हुए तो एक नेबुला जैसे फिर से बना और उससे फिर ये सारी चीजें डेवलप हुई। तो उन्होंने कहीं ना हद तक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको, तो उसे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझिए आप कि जो ये हाइपोथेसिस थी तीन तारे की और उन्होंने कांट के थ्योरी से थोड़ा हेल्प लेके बताया कि नहीं ये पार्ट ज्यादा सही है। हम कुछ और देख लेते हैं, जो सीफिट सिद्धांत है, एक सीफिट सिद्धांत है। सीफिट सिद्धांत में क्या कहता है कि एसी बनर्जी ने दिए, ये बताता है कि जो हमारा एक थ्योरी है, आप समझिएगा कि सूर्य के नौ गुना मास है ना, नाइन्थ मल्टीपल ऑफ मास एक ऐसा पार्टिकल आया जिसके कारण से इन्होंने, अभी आप पढ़ोगे तो आप सीफिट वेरिएबल के बारे में पढ़ोगे, फिजिक्स बहुत बहुत ज्यादा फिजिक्स में नहीं जाऊंगा वरना आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, समझाने की कोशिश करता हूँ। एक सीफिट वेरिएबल होता है, सीफिट वेरिएबल क्या कहता है कि अगर किसी मास का नौ गुना मास अगर पास में आता है तो उसके अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं, उसके अंदर एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन्होंने बोला कि सूर्य के पास उसके नौ गुना मास का एक ऐसा टुकड़ा आया और उसके टुकड़ा आने के कारण जो सूर्य था, सूर्य ये सूर्य है, इसमें उसके एम्पलीट्यूड बढ़ गए, उसमें वाइब्रेशन हो गया और इतना वाइब्रेशन बढ़ गया कि इसके पार्ट अलग अलग हो गए और बाद में समय बीतते समय इस समय के साथ साथ ये भी फिर से कंडेंस हुए और अलग अलग ग्रह बन गए। तो इन्होंने भी अपने तरीके से समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये मैथमेटिकल सीफिट वेरिएबल को इन्होंने प्रूव भी किया, इन्होंने ये बताया भी, ये समझाने की अच्छा कोशिश की कि अगर नौ गुना मास आ जाएगा तो उसमें बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशंस हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, वहां तक तो सही थे लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि उतना सही ही रहा होगा। उसके बाद इंटरस्टेलर ओटो सिमिट ने इंटरस्टेलर इंटरस्टेलर के बारे में बताया। इंटरस्टेलर क्या कहता है बेसिकली मैं बताऊं, इंटरस्टेलर थ्योरी ये कहता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में पहले से ही यहां तक यह समझ में आ गया था कि कुछ गैलेक्सी नाम की भी चीज होती है। तो जब मिल्की वे हमारी जो आकाशगंगा है यहां से जब सूर्य गुजर रहा था, अभी इस सूर्य को मैं मानू, ये सूर्य जब आकाशगंगा से गुजर रहा था तो इस मिल्की वे से जो कुछ इसके क्लाउड थे इसको अपनी तरफ इसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया। और जब इस क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो सूर्य जब समय के साथ दूर हुआ तो यहां पे जो छोटे छोटे पार्टिकल थे ये हमारे क्या बन गए, ये ग्रह बन गए और सूर्य का चक्कर लगाने लगे संघनन के साथ। तो इन्होंने भी अपने हिसाब से सही समझाने की कोशिश की, बहुत सारे थ्योरीज को इन्होंने यहां पे सेट भी कर दिया कि हाँ सूर्य जैसी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए,
अलग अलग प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इन्होंने गैलेक्सी से अलग किया है, तो गैलेक्सी में बहुत डिफरेंट टाइप के मास हो सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के रॉक्स और पार्टिकल्स हो सकते हैं, इसलिए अलग अलग ग्रह की प्रॉपर्टी अलग है, उनका कंडेंसेशन अलग अलग हो सकता है, इसलिए उनका एटमॉस्फेयर भी अलग अलग है। तो उन्होंने इससे समझाने की कोशिश अच्छी से किए, कौन की, ओटो सिम्मिड, ओटो सिम्मिड महोदय थे, है ना, ओटो सिम्मिड महोदय थे जिन्होंने इस परिकल्पना को की, तो ये भी बहुत अच्छे से थे। तो इन सभी की थ्योरी में, ये है कि कम से कम दो तारा है, तो एक तारा वाला सिद्धांत कि कॉमेट आके टकराया, पुच्छल तारा आके टकराया, या गैस से बना, या नेबुला से बना, या मेटियो से बना, वहां पे एक तारा था, वो हमारा मोनोलिस्टिक थ्योरी था। दो तारे थे तो इन्होंने तीन तारे को भी बताया, तो उन्होंने क्या बोला कि तीन तारा सिद्धांत। अच्छा, नौ तारे सिद्धांत वाले में बहुत अच्छी थ्योरी उन्होंने एक अच्छी ये दी थी कि उन्होंने बोला ये सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या होता है, मैं समझाता हूं। सुपरनोवा ये होता है कि मान के चलिए कि आपका कोई स्टार है और स्टार समय के साथ बुढ़ा होता चला गया है। आप कई बार सुने होंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य का सारा प्रकाश खत्म हो जाएगा, वो बुढ़ा हो जाएगा और फिर व्हाइट डार्फ बन जाएगा, है ना, ब्लैक होल में जाके समा जाएगा, ये आप सुने होंगे। तो ऐसे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक तारा था और तारा जैसे जैसे बुढ़ा होता गया, बड़ा होता गया, वो एकदम उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई और अंततः जाके उसका विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, और उसके पार्टिकल्स अलग हो गए तो बाद में समय के साथ फिर से संघनन हुआ, फिर से कंडेंसेशन हुआ, और उन कंडेंसेशन के साथ फिर से हमारा ये हुआ। तो इन्होंने ये तो अच्छे से समझाने की कोशिश किया कि हाँ ठीक है भैया, सुपरनोवा का कॉन्सेप्ट, सुपरनोवा समझिएगा, ये बिग बैंग से एकदम अलग है। कुछ लोग सुपरनोवा को बिग बैंग समझ लेते हैं। सुपरनोवा ये होता है कि आप जब कोई डाइंग स्टार, कोई मरता हुआ तारा जब एकदम विस्फोट हो जाए उसका, उसको बोलते हैं सुपरनोवा बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने नौ तारा सिद्धांत इसलिए फेमस है। तो यहाँ पे आपसे जब भी पूछे नौ तारा सिद्धांत क्या है, तो आप इस बारे में अच्छे से लिख भी सकते हो। तो मेरे ख्याल से मोनोलिस्टिक थ्योरी आपकी, मैं यही बता देता हूं, जो मोनोलिस्टिक थ्योरी है और आपकी डुअलिस्टिक थ्योरी है, दोनों के बारे में आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ये सारी परिकल्पनाएं हैं, सारी थ्योरी है, इसमें नेबुलर हाइपोथेसिस आज भी सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब मॉडर्न थ्योरी की बात किए और मॉडर्न थ्योरी में जब बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा कंसीडर किया गया, तब उसने एक एक चीजों को सही से बिठाता चला गया। और इसीलिए ये थ्योरी, ये भी कुछ नहीं कि सत्य ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिग बैंग ही हुआ है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम जो साइंस के ऑब्जर्वेशंस हैं, मैक्सिमम जो साइंस की कैलकुलेशन है, मैक्सिमम जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, वो इस थ्योरी में बहुत अच्छे से अभी तक फिट होते आ रही है, इस कारण से बिग बैंग थ्योरी सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। तो अब से हम मॉडर्न थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर का यहीं पे एंड करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती क्या है, इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती है थ्योरी इस हमारे पूरे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में। अभी तक जितने लोग थे, जितने महान विद्वान थे, जितने ही भूगोल वेत्ता थे, जितने ही फिलोसोफर थे, थिंकर थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे इसके पूरे जो ग्रह हैं पृथ्वी के साथ साथ, हमारा जो सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन अब लोग जैसे जैसे पढ़ते गए, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया, टूल्स नए डेवलप करते गए, नया साइंस आता गया, कंप्यूटर की दुनिया में आ गए, नए टेलीस्कोप आ गए, तब उन्हें समझ में आ गया सैटेलाइट खोजने के बाद कि नहीं यार, हमारा जो ब्रह्मांड है वो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सौरमंडल, इसके बाहर भी बहुत कुछ है। और फिर सब कुछ बदल के रख दिया, फिर जो एक जमाना बदला, एक बोल सकते हैं कि जो एकदम होड़ मची नई फिलॉसफीज लाने की, नई थ्योरी लाने की, उसमें जो महान महान आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा वैज्ञानिक, एक ऐसा दिमाग जो 10 घंटे सोने के बावजूद भी सब कुछ बदल के रख दिया। आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ना होती तो शायद हम उस नजरिए से ना देख पाते जिस नजरिया से आइंस्टीन ने हमें दिखाया। आइंस्टीन इस दुनिया को, इस समय को, इस स्पेस को
बहुत ही अलग नजरिए से देखते थे, और ऐसे ही स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह आए और बहुत महान महान साइंटिस्ट जो हमारे 18वीं शताब्दी के बाद आए, वो चीजों को बदल के रख दिए। तो इसी में एक बहुत ही बड़ी थ्योरी बिग बैंग थ्योरी जो आज सबको मानने को तैयार, सबको मतलब क्योंकि इसके अलावा कोई और थ्योरी नहीं है, या फिर आप साइमुलेशन थ्योरी में जाओगे, या फिर आप माइथोलॉजी में जाओगे कि ईश्वर सब कुछ चला रहा है, वो विष्णु है जिसकी क्रिएशन है, जिसका इमेजिनेशन है ये ब्रह्मांड, जब वो सोता है तब ब्रह्मांड जगता है, तब आप केवल माइथोलॉजी में या तो जा सकते हो, या फिर अगर आप साइंस के नजरिए से देखोगे तो बिग बैंग के अलावा शायद आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो एक बार हम बिग बैंग की थ्योरी बारे में देखेंगे। लेमेटर महोदय ने सबसे पहले इसे लेमेटायर इंग्लिश में लिखते हैं और लेमेत्रे हिंदी में बोलते हैं। लेमेटर महोदय ने सबसे पहले बिग बैंग के बारे में बताया, और बिग बैंग है क्या, इन्होंने बताया कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो एक सूक्ष्म एक पॉइंट से बना हुआ है। अब एक पॉइंट से एक इतना ब्रह्मांड में आप ये जहां सब कुछ एक पॉइंट से, उन्होंने क्या बोला कि एक समय बहुत कब 13.7 बिलियन वर्ष पहले, 13.7 बिलियन ईयर एगो, बहुत बड़े समय पहले, बात समझ रहे हैं, बहुत बड़े समय पहले ये पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट मास था, एक बिंदु मात्र था, और ये जो बिंदु था इसे इन्होंने बोला, कि ये बिंदु क्या था, एक ऐसा बिंदु, यहां पे ये छोटा सा डॉट आपको दिख रहा होगा, इस बिंदु पे बहुत ही छोटा मतलब आप उसे देख भी नहीं सकते हो, जितना भी कम बोला जाए, इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ गई, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा हो गई, सघनता बहुत ही ज्यादा हो गई, इसमें मास और एनर्जी इतना ज्यादा हो गया कि वॉल्यूम जो था, जो आयतन था, वो हमारा टेंस टू क्या हो गया, जीरो हो गया, और जो हमारा मास था वो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, आयतन हमारा शून्य हो गया और हमारा मास अनंत हो गया, एनर्जी इसमें अनंत हो गई, तो ये बिंदु क्या हुआ, फट गया, इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ, इस बिंदु में बिग बैंग हुआ, और इस बिग बैंग से फिर बहुत तेजी से रेडिएशन निकले, बहुत तेजी से एनर्जी निकले, और मात्र कुछ मिली नैनो, कितना समय के 1/10^6 हिस्से में ये यूनिवर्स यहां से यहां तक आ गया। तो पूरा बिग बैंग थ्योरी को हम लोग टाइम के साथ, एक तरफ टाइम के साथ, एक तरफ कैसे कैसे इसका एक्सपेंशन हुआ, समझने की कोशिश करेंगे। पहला यही है कि आपका जो पॉइंट मास है, मतलब किसी भी चीज में अगर वॉल्यूम जीरो हो जाएगा और मास अगर इंफिनिटी हो जाएगी तो वो बिग बैंग का रूप रख लेगा। और यही आपका LHC जो लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर अभी 2010 में आपका निकला था, जब बोलते थे दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिक कुछ खोज कर रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लग जाएगा, वो भौतिक कण है ना, वो हिग्स बोसॉन जो जिससे ये पूरी सृष्टि बनी है, उसके बारे में पता लगाने के लिए जब साइंटिस्ट ने 2010 में किया, तो वो आके कहीं ना कहीं वही CMBR देखे, अभी हम CMBR की बात करेंगे, जहां पे सबसे पहले दृश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इस पॉइंट मास में किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम जीरो हो जाए, आयतन जीरो हो जाए, मास इंफिनिटी हो जाएगा, तो वो फट जाएगा, महाविस्फोट हो जाएगा, बिग बैंग हो जाएगा, और बहुत तेजी से क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण यहां पे बहुत तेजी से इन्फ्लेशन होगा। तो आप यहां से लेके ये पार्ट आप देख पा रहे होंगे, यहां से लेके ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये इन्फ्लेशन का पार्ट है, यहां से यहां तक लेके इन्फ्लेशन का पार्ट है। इस पार्ट तक इतने समय में, अगर आप इसको समय से, अभी मैं आपको समय से कंसीडर करवाऊंगा, 13.7 बिलियन ईयर एगो ये महाविस्फोट हुआ होगा, ऐसा साइंटिस्ट बोलते हैं, और इसमें मात्र कुछ मिली सेकेंड में एकदम इतना तेजी से ये फड़ा, और सबसे पहले यहां पर हमें कुछ ऐसे रेडिएशन मिले, सबसे पहले दृश्य जो बोलेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति यहां पर हमें दिखाई दी। फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये यहां पे अभी मैं दूसरा आपको दिखाता हूं, ये एग्जैक्टली कंपैरिजन है, समझिएगा इसे कि कैसे समय के साथ साथ बिग बैंग हुआ और टाइम के 10^-36 सेकेंड तक, 10^-36 सेकेंड मतलब यहां तक इतने समय, आप सोचिए 1 सेकेंड, और उस 1 सेकेंड का, उस 1 सेकेंड का कौन सा हिस्सा, 10^36वां हिस्सा,
मतलब अगर 1/10 होगा तो वो 0.1 सेकंड बोला जाएगा, 1/100 होगा तो उसे 0.01 सेकंड बोला जाएगा, 1/0000 या बोल सकते 0.00000 और ऐसे 35 बार जीरो है ना, इतने सेकंड बार में ही ये हमारा क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया पूरा। यहां तक क्या थे, यहां तक सारे कॉस्मिक रेस थे, कॉस्मिक रेस थे, और फिर यहां से जैसे एक्सपेंशन शुरू हुआ हाई एनर्जी कॉस्मिक रेस निकलना शुरू हुए, कहां से 10^-36 सेकंड से 10^-10 सेकंड तक। मतलब समझिएगा कि कितने कम समय में ये पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। और यहां पे सबसे पहले डार्क मैटर आए, डार्क मैटर में आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या फिर क्वार्ट्ज और यहां पे सारी चीजें जिससे ये बोला हिग्स बोसान इन सब की बात करें तो यहां पे बनना शुरू हुए। कब एलएचसी प्रोटॉन्स जिसे बोल सकते हैं, वही जो लार्ज हाइड्रोजन कॉलाइडर में हमने पता किया वो पार्टिकल्स, वो गॉड पार्टिकल्स कौन से थे, हिग्स बोसान के बारे में जो बात करेंगे। तो यहां पे आपको ये जो जी दिख रहा है ये हिग्स है, जेड जो दिख रहा है बोसान है, डब्ल्यू क्यू क्वार्ट्ज ये सब यहां पे बनना शुरू हुए 10^-10 सेकंड पे। और जैसे ही ये और थोड़ा हुआ कितने समय पे 10^-4 सेकंड आते आते, मतलब अभी भी समय विस्फोट होने का समय इतना ही सेकंड बीता है, विस्फोट हुआ नहीं मतलब आप उससे अपने टाइम से, ये टाइम एक अलग डायमेंशन है, टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे चीजें बढ़ती चली गई, फिर हम समझेंगे कि सारे डायमेंशन क्या हैं। इतने सेकंड में सबसे पहले न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, वो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस, एक पहला न्यूक्लियस जो शायद इस पूरे सृष्टि की रचना करने के लिए बना। और फिर उस न्यूक्लियस में वो कौन सी ऐसी दैविक शक्ति आई कि उस न्यूक्लियस से थोड़ा बढ़ना और सूर्य हुआ, न्यूक्लियस से एटम बना, एटम से अणु से परमाणु बने, मॉलिक्यूल बने, और जैसे जैसे बढ़ता चला गया, जैसे हमारे शरीर में सेल से ऑर्गन बनते हैं ऐसे ही मॉलिक्यूल से एलिमेंट बने, पदार्थ बने, पदार्थ से मैटर, एलिमेंट से मैटर बना, और मैटर से फिर कोई पर्टिकुलर चीज बनी जो आप आज सब कुछ देख पा रहे हो। तो ये बहुत ही कम सेकंड में पहला न्यूक्लियस कब 10^-4 सेकंड में ही बना, और जैसे ही वहां से थोड़ा और आगे बढ़ा मतलब 10^2, मतलब अभी 2 मिनट बीते हैं आपके बम्बार्डमेंट से, आपका बिग बैंग होने से, आपके महाविस्फोट होने से 2 सेकंड बीता है और आपका एक न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियंस 10^-4 सेकंड पे एक न्यूक्लियस बन गया, और न्यूक्लियस बन गया मतलब अब न्यूक्लियस है तो वो इलेक्ट्रॉन भी उसके इर्द गिर्द आएगा, प्रोटॉन भी उसके इर्द गिर्द आएगा, और वहां से आपके फोटोन वगैरह बनना शुरू कर गए। तो ये आपका, जैसे आप यहां पर देखोगे ये आपका साइज ऑफ यूनिवर्स बता रहा है, यहां पे आपके जैसे ही पहला फोटॉन डेवलप हुआ उसके बाद 3, अब देखिए यहां से यहां तक बहुत समय, 3^10^5 ईयर, ये 2 मिनट की बात हो रही है, 2 मिनट की बात हो रही है, और ये 3^10^5 मतलब 300,000 साल, यहां 2 मिनट बम्बार्डमेंट के 2 मिनट के बाद ही आपका न्यूक्लियस बन गया था, और बम्बार्डमेंट के बिग बैंग के 300,000 साल बाद, 300,000 साल बहुत बड़ा, पहली बार हमें कुछ दिखाई, कुछ दृश्य देने वाला एक प्रकाश जिसे बोलते हैं, आप अगर बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में गॉड बोलते हैं लेट देयर बी लाइट, मतलब प्रकाश हो जाए, माइथोलॉजी हमें ऐसा रिलेट करती है इसे, आप साइंस के भाषा में CMBR पढ़ोगे, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR, ये आपका फुल फॉर्म में क्वेश्चन भी पूछा गया है CMBR का, CMB भी बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, मतलब पहले विजिबल रेडिएशन वो फोटॉन्स, इससे पहले अगर आप देखो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, सब डार्क एनर्जी है, सब डार्क मैटर है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में पूरे यूनिवर्स में कहीं प्रकाश नहीं है, पहला जब कुछ प्रकाश वाला दिखा, ये अभी हाल में साइंटिस्ट लोगों ने इसको एक ऐसा टेलीस्कोप खोजे हैं जिससे देखे हैं तो ये पूरा इनको रेडिएशन से दिखा, डॉट दिखे जो नीला डॉट और लाल डॉट दिख रहा है, नीला मतलब ये ठंडी एनर्जी है ना, कोल्ड है, और ये जो लाल लाल है इसका मतलब ये हॉट रेडिएशन है, गर्म रेडिएशन है, कॉस्मिक वेव्स जो वगैरह होती है। तो ये आपका एक ऐसा दिखा जब आप इधर से देखने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं कोई ये एक स्ट्रक्चर बना, इसका मतलब आपके दिमाग में इमेज बन रही होगी कि हमारा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बताने की कोशिश की
पॉइंट मास से यूनिवर्स एक्सपैंड करने की कोशिश किया है। आप कई बार पढ़े होंगे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कंटिन्यू एक्सपैंड कर रहा है, कंटिन्यू एक्सपैंड कर रहा है। समझो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा रहेगा कि आप सपोज करिए कि बैलून है, एक गुब्बारा है, और गुब्बारे पे आप एक पॉइंट बना दो और उसे फुलाना शुरू करो। तो जैसे जैसे आप फुलाओगे वैसे वैसे गुब्बारा बढ़ जाएगा। आप दो तीन अगर पॉइंट बना दिए तो जैसे जैसे गुब्बारा बढ़ेगा वैसे वैसे उन पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने यही समझा कि सपोज करो ये गुब्बारा है, मैं गुब्बारा पे यहाँ पे पॉइंट बना दिया, आप जैसे जैसे बढ़ाता चला जाऊंगा और ये दो पॉइंट बना दिया तो इसके बीच में दूरी बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने कुछ इस कॉन्सेप्ट से बोला कि हमारा यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन वो थ्योरी इतनी सही नहीं है गुब्बारे वाली, क्योंकि अगर आप इसकी साइज बढ़ेगी तो गुब्बारे पे डॉट का भी तो साइज बड़ा होगा, छोटा था ये साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्स में चीजें नहीं बढ़ रही हैं, उनके बीच का स्पेस बढ़ रहा है। थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन कहती है कि जो दो गैलेक्सी है गैलेक्सी के बीच का स्पेस बढ़ रहा है, वो गैलेक्सी नहीं बढ़ रही है, गैलेक्सी का जितना साइज है वो गैलेक्सी का साइज उतना ही है। तो ये बात हम डिस्कस करेंगे। अभी यहां पर समझते हैं कि जब 3 लाख साल बीता तब हमें सबसे पहले कुछ दृश्य दिखाई दिया जिसे माइथोलॉजी में क्या रिलेट करते हैं, लेट देयर बी अ लाइट, मतलब कि सबसे पहले प्रकाश हुआ। ईश्वर कहते हैं ना, ईशा कहते हैं कि लाइट हो। अब यहां पे आपके फोटॉन बनना शुरू हुए, यहां पे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पूरा आपका एटम बन गया था। और जब आपका एटम बना तभी आपको कुछ दृश्य हुआ, और उसके 3 लाख साल के बाद अगर आप देख पा रहे हो कि 10^9 ईयर, मतलब कि आपके 100 मिलियन ईयर कब से, बिग बैंग होने के 100 मिलियन ईयर के बाद आपके तारों का फॉर्मेशन हुआ, आपके गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, आपके नेबुला का फॉर्मेशन हुआ, आपकी जो निहारिका अभी अभी आप पढ़ के आए हो, और ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज का यहाँ पे फॉर्मेशन शुरू हुआ। और आज 13.7 बिलियन वर्ष बाद हमारे बहुत सारी चीजें जहां पे मानव है, जहां पे पेड़ पौधे हैं, जहां पे सारी चीजें हैं, वो यहां पे हमारी बन गई। तो बिग बैंग हमारा बताता है कि समय के साथ साथ कैसे कैसे चीजें हमारी बनती चली गई। अब ये इस थ्योरी में जितनी हाइपोथेसिस हमारी आती गई वो बहुत सही फिट होती चली गई, सब कुछ फिट होता चला गया कि अच्छा हाँ ये गैलेक्सी रही होगी, गैलेक्सी में नेबुला रहा होगा, नेबुला से प्लैनेट ग्रह वगैरह बने होंगे, सूर्य बने होंगे। नेबुलर हाइपोथेसिस अभी भी मानते हैं, एग्जैक्टली क्या नहीं पता, लेकिन जो साइंस कहता है कि ऐसा हुआ होगा वो मानते चले आ रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी बोलती है कि हमारे जो यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है एक इंफिनिटी स्मॉल पॉइंट से। अब आज भी जानना ये बाकी है, आखिर वो इंफिनिटी स्मॉल पॉइंट आया कहां से, एक ऐसा पॉइंट जिसमें अनंत ऊर्जा है, अनंत उसका घनत्व है, वो पॉइंट आखिर आया कहां से। तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है सुपरनोवा का, वो एस्ट्रोफिजिक्स की बात है, वहां पे हम नहीं जाएंगे, अभी आपको इतनी समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक थ्योरी है, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न थ्योरीज हैं, हम एक एक के बारे में देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी तो है ही, दूसरी स्टेडी स्टेट थ्योरी भी कहती है, जो बोलते हैं उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है ना, सभी लोग बहुत सारे साइंटिस्ट बोले, लेकिन हमारे एक थ्योरी बोलती स्टेडी स्टेट थ्योरी, मतलब स्थिर अवस्था थ्योरी, उन्होंने बोला नहीं ब्रह्मांड कुछ फैल नहीं रहा, जो जिस अवस्था में पहले था वही उस अवस्था में आज भी है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ऐसी प्रूफ मिले हैं कि नहीं हाँ भैया हमारे गैलेक्सी के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो ये थ्योरी तो एकदम क्या कर दी गई, नेग्लेक्ट कर दी गई, इस थ्योरी को कोई नहीं मानता है। दूसरी थ्योरी बताते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, मतलब अनंत स्फीतिकरण। तो वही मैं एकदम जब बिग बैंग बताया हूं उसी से सारी चीजें मैं रिलेट करके आपको बताता चलूंगा। तो अनंत जो थ्योरी बोलती है इन्फ्लेशन थ्योरी, इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी है ना, कि बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो बस यही एक्सपैंड यूनिवर्स हो रहा है, बस थ्योरी को ये कहती है। अब ये एक्सपैंड किधर भी हो सकता है, इधर भी हो रहे हो सकता है, उन्होंने बोला कि पॉइंट के इस तरफ क्यों नहीं बढ़ा, पॉइंट के इस तरफ क्यों नहीं बढ़ा, पॉइंट के इस तरफ क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन वो ये मानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को अभी। अच्छा एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं आपको समझा दूं, आपको लग रहा होगा कि यहां पे जो टर्म आते हैं स्पेस टाइम और कर्व, यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं।
जो पूरा यूनिवर्स था, हमारा पूरा यूनिवर्स था, जब बटना शुरू हुआ तो किस में हुआ? टाइम में और स्पेस में, इस दो चीजों में डिवाइड हो गया बिग बैंग के बाद। अभी हमारे नजर से समय मतलब क्या, जो घड़ी चल रही है, जो घड़ी में समय हो रहा है, उसे समय बोलते हैं। एग्जैक्टली ये समय बहुत अलग है, हमने तो अपना मेजरमेंट अपना बना लिया, लेकिन ये समय जो आइंस्टीन शायद जिस नजरिए से इस समय को देखे थे, उस नजरिए से शायद हम आज भी देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्पेस आपका जो तीन डायमेंशन होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये जो आपका तीन डायमेंशन है ना, लेंथ हाइट और ब्रेथ जैसे बोल सकते हो, मतलब एक आपका स्पेस ऑक्यूपाई करेगा कोई चीज जिसका कोई आयतन होगा, तो ये तो आपका स्पेस हुआ। एक चौथा जो है वो क्या है, हमारा टाइम भी है, जो हमारा एक डायमेंशन है। अगर ये टाइम को हटा दिया जाए तो हमारी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इस समय का बहुत बड़ा रोल है। इस समय जैसे आप किसी की दूरी टाइम लाइट ईयर में नापते, तो वहां पे भी समय की एक यूनिट आती है। आइंस्टीन महोदय ने क्या बोला, उन्हें सूर्य के स्पीड से देखे, उनकी लाइट की स्पीड से देखे, सनलाइट की स्पीड से देखे कि कोई चीज अगर सनलाइट के, अभी तो थ्योरी क्या मानती थी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती है कि सूर्य के गति से ज्यादा, सूर्य के प्रकाश की गति से ज्यादा तेज चल सके। आइंस्टीन ने बोला नहीं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और अगर ऐसा पॉसिबल हो गया तो सब कुछ बदल चल जाएगा। फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी बोले, बहुत सारी उनकी थ्योरी आई टाइम के परिप्रेक्ष्य में। तो ये थोड़ा एस्ट्रोफिजिक्स की बातें हैं, ये बाद में हम समझेंगे। अभी मैं आपको ये समझाना चाह रहा बस कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि जो स्पेस की बात कर रहे हैं, ये आप बोला कि जो ये आपका कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है, ये ऐसा नहीं है कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है, ये आपका पूरा, ये पूरा यूनिवर्स है, और इसमें बिग बैंग एक ऑक्यूपाई कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये खुद ही एक स्पेस है, ये खुद ही एक यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, ये अनंत यूनिवर्स है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा हो सकता है, क्यों मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा यूनिवर्स है ना, ऐसा भी हो सकता है। हमारा यूनिवर्स कहने का मतलब क्या, दूसरा भी यूनिवर्स है। एग्जैक्टली पॉसिबल है, दूसरा यूनिवर्स भी पॉसिबल हो सकता है, और वही तो हमारी इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी बोलती है। इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी बोलती है, क्या बोलती है कि भैया आप इस दुख को देखो, एक यूनिवर्स इधर एक्सपेंड हुआ तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि एक यूनिवर्स इधर भी एक्सपेंड हुआ हो, एक यूनिवर्स इधर भी एक्सपेंड किया हो, और एक यूनिवर्स हर दिशा में ऐसा एक्सपेंड किया हो। हम यहां पे हैं तो यह हमारा यूनिवर्स है, और ऐसा एकदम पॉसिबल है कि दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है वहां पे कोई दूसरी भाषा बोली जाती हो सकता है यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास चल रही हो, वहां पे कोई और क्लास चल रही हो, या हो सकता है आप यहाँ पे SDM बनने की तैयारी करो, वहां पे कुछ और बनने की तैयारी करो, लेकिन एकदम पॉसिबल है कि अगर ये यूनिवर्स है तो भाई अगर यहाँ पे हुआ तो एक ही दिशा में नहीं, दूसरे दिशा में भी इस पॉइंट मास से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, यूनिवर्स का क्रिएशन होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए, चौथा भी होना चाहिए, और यही होती है आपकी या इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी आपकी यही कहती है। अच्छा, इसके बाद भी कुछ और थ्योरी है, जैसे ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत, ये भी आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। दोलन सिद्धांत आप पढ़ोगे, ऑसिलेटिंग थ्योरी का बहुत ही मजेदार थ्योरी है, बहुत ही जबरदस्त है, एकदम अलग से इमेजिनेशन ही अलग कर देती है। यह बोलती है, जैसे उन्होंने बोला कि भैया एकदम हो सकता है कि ये अनंत स्फीति कोण हो सकता है, ये भी बोला कि हाँ ये हो सकता है, एकदम मैं मान रहा हूं कि दो यूनिवर्स हो सकते हैं, दो क्या हजारों यूनिवर्स हो सकते हैं, हर तरफ यूनिवर्स हो सकता है, तो दोनों यूनिवर्स मैंने ये देखा है। आपने मूवी देखी होगी है ना, एवेंजर्स, हॉलीवुड की मूवी एवेंजर्स देखी होगी, उसमें क्या होता है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है एकदम गोल गोल सा घुमा के यहां से लोगों को एकदम दूसरी जगह करता है, वो क्या है, वो पैरेलल यूनिवर्स दिखाता है। मतलब एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चीजों को क्या करते हैं, अलग डाल देते हैं, एक ऐसा। अब ये तो भाई केवल डायरेक्टर है, वहां पे मूवी बना रहे हैं, उनकी इमेजिनेशन है, लेकिन वो इमेजिनेशन भी किसी किताब से आई होगी, ऐसा नहीं, कोई ना कोई वहां पे साइंटिस्ट लिखा होगा। जैसे अभी आप स्टीफन हॉकिंग्स की किताब पढ़ोगे है ना, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में आप जब पढ़ोगे है ना, जब आप टाइम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के बारे में पढ़ोगे, तो सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, वो सारी हाइपोथेसिस ही हैं। तो उसमें भी डॉक्टर स्ट्रेंज वही करता है कि एक जगह से दूसरी चीज डाल देता है। तो यही भी इनके भी जो अनंत स्फीतिकरण सिद्धांत है, ये भी बोल रहा था कि अलग अलग हमारे यूनिवर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अब ऑसिलेटिंग थ्योरी क्या कहता है, कहता है अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर अलग अलग यूनिवर्स हुआ है, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि भाई अगर यूनिवर्स एक्सपेंड किया है तो एनर्जी उसकी खत्म होगी, धीरे धीरे रेडिएट होगी,
होगी और एनर्जी खत्म होगी तो ये फिर से धीरे 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 जक श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होने के बाद ये आप समझिएगा धीरे धीरे ये एकदम श्रिंक हो जाएगा और श्रिंक होने के बाद एक बार फिर से पॉइंट मास पे यहाँ पे फिर से आ जाएगा और अगर यहाँ पे पॉइंट मास पे आ गया तो फिर बिग बैंग होगा फिर भी बैंग होगा फिर ये बढ़ना शुरू होगा और फिर एक समय आएगा कि उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और फिर आके एकदम समेट जाएगा फिर से पॉइंट में आएगा तो एक्सपेंड सॉरी यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है सिकुड़ रहा है बिग बैंग हो रहा है बिग क्रंच हो रहा है जो सिकुड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं बिग क्रंच बोलते हैं ध्यान दीजिएगा बिग क्रंच है ना बढ़ रहा है तो बिग बैंग हो रहा है एकदम महाविस्फोट हुआ बिग बैंग हुआ बिल्कुल हुआ लेकिन बिग क्रंच भी होगा बिग बैंग हुआ बिग क्रंच होगा और क्योंकि ये बार बार एकदम पेंडुलम की तरह यही प्रोसेस हो रही है तो उन्होंने बोला कि ये यूनिवर्स है एक दोलन है एक पेंडुलम है और ये पॉसिबल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है हम मनुष्य कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो सकता है ये एक परिकल्पना ही है कुछ भी हो सकता है कुछ भी पॉसिबल है ठीक तो ये आपको ऑसिलेटिंग थ्योरी कहती है साइक्लिक इसे ऑसिलेटिंग थ्योरी का साइक्लिक कहते हैं ऑसिलेटिंग थ्योरी का दोनों सिद्धांत का एक ब्रेन थ्योरी भी आती है ब्रेन मतलब ये वाला ब्रेन नहीं दिमाग वाला थ्योरी नहीं ब्रेन मतलब ब्रेन मेम्ब्रेन से आया है ये मेम्ब्रेन आप पढ़ते हो झिल्ली बायो में तो वही मेम्ब्रेन से आया है ब्रेन्स थ्योरी ब्रेन्स थ्योरी क्या होती है ब्रेन मतलब होता है झिल्ली बोलते जो आपका ये यूनिवर्स आप ऐसे बता रहे हो ना ये संघ की तरह बता रहे हो ना ये माइक की तरह बता रहे हो कोई जरूरी माइक की तरह थोड़ी है उन्होंने अपनी परिकल्पना में क्या कहा कि ये जो आपका यूनिवर्स है ये एकदम ब्रेन्स की तरह है झिल्ली की तरह है ये आप देख पा रहे हो एक झिल्ली की तरह है और ये अलग अलग ऐसे समझिएगा कि ये आपका एक यूनिवर्स है अब ये आपका दूसरा यूनिवर्स है ऐसे आपका ये तीसरा यूनिवर्स है तो एक अलग अलग यूनिवर्स आप देख पा रहे हो एकदम अलग अलग ये इसके झिल्ली है मेम्ब्रेन है और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा पॉसिबल है कि ये झिल्ली आपस में ये ब्रेन आपस में आती हैं और जैसे टकराती हैं तो उसे बोलते हैं बिग बैंग हुआ तो फिर ये दूर जाती है फिर ये झिल्ली आपस में टकराएगी क्या बोलेंगे बिग बैंग हुआ तो उन्होंने बिग बैंग को इस नजरिए से देखा और ये बार बार होता रहेगा इसीलिए ऑसिलेशन और किसका टकराव हो रहा है ब्रेन का टकराव हो रहा है तो ये ब्रेन थ्योरी में ऑसिलेशंस ब्रेन थ्योरी बोला गया इस थ्योरी को क्या बोले ऑसिलेशंस साइक्लिक थ्योरी है ना दोलन का चक्रीय परिकल्पना सिद्धांत और इसे क्या बोले दोलन का यहां पे झिल्ली सिद्धांत या ब्रेन का सिद्धांत बात समझ में आ रही तो ये भी पॉसिबल है और इसके बाद जो कुछ दो थ्योरीज हैं वो बहुत ही मजेदार हैं और शायद इसके आगे मनुष्य भी हार जाता है जिसे बोला जाता है एग्जोटिक थ्योरी यानी कि अनोखे सिद्धांत क्या कहते हैं ये इतने अनोखे हैं कि इसके आगे मनुष्य आज भी हार जाता है थक हार के कहता है कि नहीं भैया किसी में कुछ नहीं रखा है बहुत ज्यादा परेशान मत हो सब ईश्वर के हाथ में है सब उसी का करा धरा है वो चाहेगा तो आपको SDM बनाएगा वो चाहेगा तो आपको रंग बनाएगा वो चाहेगा तो जो चाहेगा जो आपकी किस्मत में लिखा होगा वो सिद्धांत ऐसे सिद्धांत क्या कहलाते हैं अनोखे सिद्धांत कहलाते हैं और इसमें बहुत बहुत ही अनोखे अनोखे सिद्धांत हैं आज इसके बारे में समझेंगे बहुत अच्छे से हॉलीवुड मूवीज जो देखते होंगे उन्हें तो बहुत मजा आने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से सबको समझ में आने वाला है अगर आपका थोड़ा साइंटिफिक दिमाग है एक थ्योरी क्या कहती है होलोग्राम सिद्धांत अनोखे सिद्धांत कहते हैं कि पागल हो आप लोग इतनी थ्योरी निकाले इतना मैथमेटिक्स कैलकुलेशन किए आप देखो एक मैथमेटिशियन क्या होता है एक जो मैथमेटिशियन होता है वो फिजिक्स को प्रूफ करने की कोशिश करता है मैथमेटिक्स कुछ है थोड़ी हम इंसानों द्वारा बनाई गई एक क्या है एक नियम है जिसे हमें फॉलो करना होता है मैथमेटिशियन अपने आप को बहुत ही ज्ञानी समझता है मैथमेटिशियन की थॉट क्या होती है अब मेरा भी सब्जेक्ट मैथ्स है इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसा समझ रहा हूं लेकिन समझिएगा एक मैथमेटिशियन जो होता है वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं मैं किसी चीज को अपने हिसाब से इसे प्रूफ करके दे दूंगा मैथमेटिशियन सबको सिद्ध करने में लगा होता है सबको प्रूफ करने में लगा होता है एक जो ज्योग्राफर होता है जो भूगोलवेत्ता होता है कहता है भैया रुक जा अभी तेरी कोई औकात नहीं है बहुत सूक्ष्म हो जो है सब ईश्वर है जो कुछ भगवान है तुम तो केवल जबरदस्ती प्रूफ करने में लगो मैथमेटिशियन फिर बोलता है नहीं तुम लाओ सिद्धांत लाओ मैं उसे प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं इसकी ये थ्योरी बोल दूं ज्योग्राफर फिर कहता है कि नहीं अभी आप बहुत छोटे हो अभी आपको और भी सीखना बाकी है कितने नियम अपने आप से बनाओगे तो ऐसे ही अनोखे सिद्धांत अब होलोग्राम क्या कहता है होलोग्राम कहता है कि यह सब कुछ बकवास है एक ऐसा है जो कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है समझना कि ये आपकी पृथ्वी है
पृथ्वी क्या, ये आपका एक यूनिवर्स ऐसा कुछ स्फेरिकल है जो भी शेप का है, और यहां से एक रेज आपकी डाली जा रही है, यहां से एक रेज डाली जा रही है, ऐसे पॉइंट है ये रेज डाली जा रही है, और यहां पे सब प्रोजेक्ट हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हो रहा है यही यूनिवर्स है। आप इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, मैं यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो यहां से कुछ प्रोजेक्शन जा रहा है और इस पे प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तो ये सब कुछ एक प्रोजेक्शन है। आप होलोग्राम देखते हैं ना, उसमें देखिए एवेंजर्स मूवी की बात करें तो आयरन मैन करता है एकदम टिक 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 करता है, सब कुछ 3D में आ जाता है, उससे बात करता है, उसका जो जार्विस होता है उससे बात करता है, सब कुछ एकदम 3D में आते हैं, अलग अलग प्रेसिडेंट अलग अलग टीम के वो होते हैं 3D में, सब एकदम वर्चुअली रूप में सब लोग उसका रेस डालते हैं, एक तरफ से रेस पड़ी और यहाँ पे एकदम 3D जैसे आदमी बन जाते हैं। तो वो जो 3D बन रहा है वो रेस से बन रहा है, इन्होंने कॉन्सेप्ट ये सोचा कि हो सकता है कि ये सब कुछ एक प्रोजेक्शन हो, जो हमें सब कुछ दिख रहा है ये सब वर्चुअल प्रोजेक्शन है, ये कुछ रियलिटी है ही नहीं, रियलिटी तो कुछ और है, तो कुछ ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन अभी ये सिद्धांत तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, और मेरे मानने से तो कुछ नहीं होता, मेन जो थ्योरी कहती है वही कहता है। कुछ और जो थ्योरी है उसमें एक थ्योरी बहुत प्यारी है, वो है साइमुलेशन थ्योरी। साइमुलेशन थ्योरी क्या कहती है, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं। साइमुलेशन थ्योरी कहती है कि भाई आप जितना भी गणित लगाना हो लगा लो, आप जितना भी भूगोल लगाना हो भूगोल लगा लो, ये सब कुछ ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक बहुत सोची समझी रणनीति है, कोई एक बहुत ही अच्छा दिमाग, कोई एक बहुत ही अच्छा जिसे हम सुपर पावर भी कह सकते हैं, उसने ये सब कुछ प्रोग्राम्ड करके रखा है, उसने सबकी प्रोग्रामिंग की है। जैसे आप C++ पढ़ते हो वगैरह सब चीज पढ़ते हो तो उसमें प्रोग्रामिंग होती है, जैसा आप चाहते हो वैसा चलता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, जैसा आप प्रोग्राम करते हो इंसान वैसा करता है, जैसे आप प्रोग्राम करते हो कंप्यूटर वैसा चलता है। तो बोले ऐसे ही कोई एक ऐसा है जो इसको सिमुलेट कर दिया है, उसने बना दिया है, उसने प्रोग्राम कर दिया है, और वो बैठे बैठे वहां पे ऊपर से देख रहा है, हंस रहा है, कह रहा है देखो मूर्खों को, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी निकाल के रख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से यहाँ पे विज्ञान लगा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी गणित लगा रहे हैं, और मैं यहाँ पे बढ़िया प्रोग्राम बना के सबको चला रहा हूं। तो एग्जैक्टली ये भी पॉसिबल। मैट्रिक्स मूवी बहुत पहले आई होती 2002-2003 में, शायद आपने देखा, नहीं देखा होगा तो जाके देखो, बहुत जबरदस्त मूवी है, समय निकाल के जब भी समय मिले आपके पास तो सबसे पहले ये एवेंजर्स वगैरह हॉलीवुड की मूवी बहुत ज्यादा ज्ञान देती है, मूवी बेकार चीज नहीं है, कई बार बहुत ज्यादा उसे सही तरीके से देखोगे तो बहुत मजा आने वाला है। तो उसे जाके आप देखो, मैट्रिक्स में देखो, उसमें पूरा यही बताया गया है। लास्ट में तो उसका नाम ओरेकल बोलते हैं, जब आप तीसरे पार्ट में जाओगे तो आपको बताते हैं कि कौन है। तो उसमें दिखाते हैं कि एक जो सुपर कंप्यूटर है जिसे ओरेकल बोला गया, उसका एक प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम क्या है कि यहाँ पे ऐसा है कि इंसानों को बोया जाता है, इंसानों की खेती की जाती है। इंसानों की खेती करने का मतलब इंसान है, पैदा हुआ, उसकी जो बॉडी हुई, अब उसे उठा लाते हैं कुछ लोग, कुछ एजेंट लोग होते हैं जिस जो इसके प्रोग्राम होते हैं, उसको लाके उसके लैब में रख देते हैं। अब लैब में उसके दिमाग को तार से कनेक्ट कर देते हैं, तार से कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो जो पूरा साइमुलेशन होता है, पूरा जो प्रोग्राम होता है, उसके हिसाब से इंसान सो रहा है, इंसान उस लैब में लेटा है, और वो अपने दिमाग में हर जगह जा रहा है, हर जगह एक्टिविटी कर रहा है, वहां पे वो गाड़ी चला रहा है, वहां पे किसी को मार रहा है, वहां पे कुछ भी कर रहा है, वो सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है और सब कुछ साइमुलेशन हो रहा है। तो साइमुलेशन थ्योरी एकदम यही कहती है कि ऐसा पॉसिबल है कि ये सब कुछ जो है ये हमारा पूरा ब्रह्मांड एक प्रोग्राम है, और हम उसके एक सिंटैक्स है, उसके एक कोड है, और वो कोड जैसे वो चला रहा है और ऊपर मजे भी ले रहा है, हंस भी रहा है कि कर लो जितनी बेवकूफी करने हैं कर लो। ये साइंटिस्ट का नजरिया है, ये साइंटिफिक नजरिया है। और जब हम अपने माइथोलॉजी में जाते हैं, जब हम अध्यात्म में जाते हैं, तो सिमिलर थ्योरी आता है, और बहुत ही प्यारी थ्योरी है। वो क्या है, माइथोलॉजी की थ्योरी, जिसे आप क्रिएशनिज्म भी बोल सकते हो। साइमुलेशन मतलब अनुकरण का सिद्धांत, ये आप देख लो, इधर देख लो, साइमुलेशन मतलब अनुकरण का सिद्धांत कि कुछ हम अनुकरण कर रहे हैं, और क्रिएशनिज्म मतलब सृष्टि रचना सिद्धांत। तो थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म क्या कहती है, सृष्टि रचना सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि जो भाई साइंटिस्ट हैं, जो आप कितना भी गणित लगा लो, कितना भी आप उसमें मैथ्स लगा लो, कितना भी आप उसमें अपने नए नए इन्वेंशन कर लो, लेकिन जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी माइथोलॉजी है, वो चाहे हिंदू की माइथोलॉजी हो, वो चाहे आपकी जैन माइथोलॉजी हो, चाहे आपकी बुद्धिज्म माइथोलॉजी हो, चाहे आपकी क्रिश्चियन माइथोलॉजी हो, सारे के सारे अध्यात्म क्या कहते हैं कि ऊपर बैठा कोई वो परम ब्रह्मा, वो विष्णु, जो सबसे बड़ा सुपर पावर है, अलग अलग अध्यात्म, अलग अलग धर्म, अलग अलग रिलीजन अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने परम परमेश्वर को मान रहे हैं कि वो बैठा ऊपर, पूरी सृष्टि की रचना किया है और पूरा सृष्टि वही चला रहा है।
हमें जो हमें जीवन दिया है, हम मनुष्य को जो जीवन दिया है, इन विभिन्न प्राणियों को जो जीवन दिया है, जिन्होंने नदियां पहाड़ पर्वत ये सब बनाया है, वो परम विष्णु है, वो परम ईश्वर है, वो ईष्ट देव है जो इस सृष्टि की रचना करता है। और यही कहलाता है सृष्टि रचना सिद्धांत। ये एकदम साइमुलेशन थ्योरी से एकदम मिलती जुलती है। साइमुलेशन थ्योरी में बस इंसान ने ये सोच लिया कि वहां पे कोई प्रोग्राम किया गया होगा, वहां पे कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप में होगा, लेकिन अध्यात्म कहता है कि नहीं, एक ऐसी सुपर पावर है जिसके बारे में हम ना जान सकते हैं, ना हम अभी तक उसके बारे में कोई खोज कर सकते हैं। वो जो चाहेगा वैसा हमें करना पड़ेगा, वो जो चाहेगा वैसे हमें चलना पड़ेगा। हम चाहते हैं आज SDM बन जाए, हम चाहते हैं आज हम ये कर लें, वो उसकी मर्जी होगी, जैसी उसकी मर्जी होगी वैसे हमें चलना पड़ेगा। वैसे इस ब्रह्मांड में तमाम पुंजों को, तमाम जीवों को, तमाम हर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, उस बैक्टीरिया की बात करें, उस वायरस की बात करें, उन सबको बनाने वाला कौन है? वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो ये हमारी सृष्टि रचना सिद्धांत कहती है। अभी एक किताब है द 11 पिक्चर्स ऑफ टाइम, अगर आप उसे देखोगे तो ये सी के राजू ने लिखा है, आपके भारत के ही लेखक है, बहुत बढ़िया किताब है। उसने अध्यात्म को और जो डिफरेंट थ्योरी जो हमने पूरा पढ़ के चलाया, हमने मोनोलिस्टिक थ्योरी, अद्वैतवाद सिद्धांत, द्वैतवाद सिद्धांत, डुअलिस्टिक थ्योरी, उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी है जैसे बिग बैंग हुआ, स्टेडी स्टेट हुआ, इन सारे थ्योरीज का बहुत अच्छे से एनालिसिस करके, बहुत अच्छे से पढ़ के उस किताबों में रखा है। तो अगर आप कभी भी समय निकाल के उसे मंगाना, अमेजोन वगैरह पर मिल जाएगा, मंगाना, उसे पढ़ना जरूर, बहुत अच्छी किताब है, एकदम बहुत ही पर्सपेक्टिव वे में, बहुत ही एनालाइज वे में, सबको अध्यात्म को और विज्ञान को एक साथ मिलके एक जो किताब लिखी गई है, बहुत प्यारी है, आप भी उसे पढ़िएगा। तो अगर हम सृष्टि रचना सिद्धांत की बात करें तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लगता है इंसान कितना भी प्रयास कर ले अभी उस चीज को ना खोज पाया है। और कभी कभी आप ऑब्जर्व भी करो, छोटी छोटी चीजें होती हैं कि यार ये जीव, अब आप सोचो कि मैंने अभी बिग बैंग में पढ़ाते समय बताया कि एक छोटा सा न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस बने, न्यूक्लियस बना, और अभी बनने की बात करें, हम इवोल्यूशन ऑफ अर्थ देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे कि कैसे छोटे से पार्टिकल आया, उसमें दैविक शक्ति से प्राण आए, जीवन आए, और वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ऐसे करके पूरे सृष्टि की रचना कितने तरीके से हो गई। हमने देखा कि 13.7 बिलियन ईयर एगो, 13.7 बिलियन वर्ष पहले जो हमारा बिग बैंग हुआ, अगर जो भी हमारी साइंस कहती है, और उसके फिर वहां से समय जैसे जैसे खिसकता चला आया, और आज से 5,000 मिलियन ईयर एगो जब सबसे पहले सूर्य बना, 4,800-4,600 मिलियन ईयर एगो जब पृथ्वी बनी, और उसके पृथ्वी बनते समय जब आपके 4,200-4,500 में समुद्र बना, मात्र पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी हो रही थी समुद्र का बनना उसी समय शुरू हो गया था। ये चीजें हम और आगे समझेंगे, पृथ्वी के फॉर्मेशन में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन ऐसा समझिए कि जब 4600 आप पढ़ोगे ना, 4.6 मिलियन ईयर एगो ऐसे समझिए, तो 4600 ईयर एगो जब वर्ष पहले जब पृथ्वी सबसे पहले बनी, उसके बाद 500 सालों में ही आपका समुद्र आया, और उस समुद्र में सबसे पहला जो जीव आया वो करीबन 2,800-3,000 मिलियन ईयर एगो पहला वो सूक्ष्म जीव जिससे जिसमें लाइफ प्रोसेस आया। तो सृष्टि रचना को देखेंगे, सिद्धांत को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा लगता है कि इंसान को सीखना अभी बाकी है। और ऐसे धीरे धीरे करके अगर हम देखें तो 500 मिलियन ईयर एगो आज से सबसे पहले लाइफ का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जीव आए, फिर उसमें डायनासोर का भी हुआ, जुरासिक युग पढ़ोगे, ट्रियासिक युग पढ़ोगे, आप वहां पे इपॉक्स पढ़ोगे, एरा पढ़ोगे, महाकल्प, कल्प, ये सारी चीजें पढ़ोगे, है ना, कैसे ही इंसान की उत्पत्ति हुई, ये आपको आशीषर भी बताए होंगे, जो आपका प्लीटोसीन काल है, नियोसीन काल है, इन सारी चीजों के बारे में हम अगली क्लास में अच्छे से बहुत डिस्कस करेंगे कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हुआ, कैसे हमारा जो ये टाइम पीरियड है इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अर्थ के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और अर्थ के फिजिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स और अर्थ पढ़ा, हमने बेसिक फिलॉसफी पढ़ी कि क्यों ज्योग्राफी हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहां पे, अच्छा यहां पे मैं ये क्लास तो मैं यहीं पे एंड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप समझिएगा कि मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा। आज आपको घर पे जाके एनसीईआरटी के क्लास 11 के क्लास 1 और एनसीईआरटी के चैप्टर 1 किसका, फंडामेंटल ऑफ
फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और 12th की पहली किताब जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की पहला चैप्टर, उससे आपको आज पढ़ लेना होमवर्क के तौर पे। हम देख लेते हैं, मैं आपको एनसीईआरटी का कुछ दिखा देता हूं। तो यहां पे आप ज्योग्राफी में पहला चैप्टर मिल जाएगा, मैं पीडीएफ आपको ग्रुप पे ही दे दूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। ये पढ़ने क्लास 11 का पहला चैप्टर, इसमें मैं बता दे रहा हूं ओवर थ्रू क्या क्या आपको मिलेगा। जैसे ये आप ज्योग्राफी के बारे में जो आप पढ़े, क्यों पढ़े, क्या पढ़े, आपको पहले चैप्टर में इसकी समरी मिल जाएगी ज्योग्राफी है क्या। उसके बाद फिर आप देखोगे कि कल्चरल एनवायरमेंट और डिफरेंशिएशन वेरिएशन के बारे में आप इस पेज पे बहुत अच्छे से समराइज करके पढ़ोगे, जो मैंने बताया आपको नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, हर चीज के बारे में। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, मतलब सारे सब्जेक्ट को कैसे लेके चलता है, इसके बारे में आप देखोगे। फिर आप देखोगे फिजिकल ज्योग्राफी और नेचुरल साइंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। तो ये जितनी मैंने पूरी क्लास दी है वो समरी के रूप में आपकी पूरी एनसीईआरटी है कि, और आपको घर से पढ़ना जरूर है, ये आपका होमवर्क है, समझ के चलिए होमवर्क है आपको और घर से करना ही करना है। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, क्लास 11 का चैप्टर 1 एंड 2 और क्लास 12 का चैप्टर 1, ये आपको पढ़ना है। क्लास 11 का चैप्टर 1 एंड 2, क्लास 12 का चैप्टर 1। तो अभी आप आगे इसमें पढ़ेंगे पूरा समराइज के रूप में, तो फील्ड ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे जूलॉजी है तो जू ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस में आता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी डेमोग्राफी में आता है। पूरा आपका जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसमें आप पूरा पॉपुलेशन और सेंसस है ना, पॉपुलेशन, सेंसस, माइग्रेशन, ये सब टॉपिक ही पढ़ोगे, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो मैं सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊंगा। इकोलॉजी में आप जैसे ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में पढ़ोगे कि उसका प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिकी पे क्या पड़ता है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे आप एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज्म, इसके बारे में पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको ये बता देगा कि क्या है आपकी ज्योग्राफी में क्या क्या होगा। फिजिकल ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग बताया है, उसने बताया है कि क्या कैसे अंतर्गत आता है, तो पढ़ना जरूर आपको एक बार ओवर थ्रू सबको समझ में आ जाएगा। रीजनल में जैसे मैंने बताया कि एरिया का, रीजनल एरिया का करते हैं, फिर उसकी प्लानिंग के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, उसकी एनालिसिस के बारे में, और आजकल तो कंप्यूटर वगैरह हो गया तो सर्वे वर्वे के चक्कर में कि सहायता से बहुत अच्छे से इसको ज्योग्राफी का पढ़ा जाता है। और एक कोशिश और करिएगा कि जो क्वेश्चन दिए हैं उस क्वेश्चन को चैप्टर पढ़ने के बाद लगाने की जरूर कोशिश करिएगा। जो नहीं लगेगा वो मुझे बताइएगा, मैं ग्रुप पे आपको उसके बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस कर लूंगा बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर आपको ये यूनिट 2 भी पढ़ना है, द अर्थ, इसी क्लास 11 का ही, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, और इसमें आप बेसिकली सारी वो फिलोसफी जो मैंने पढ़ा दिया है सब कुछ पढ़ लोगे। और फिर क्लास 12 का ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ह्यूमन और नेचर का बहुत अच्छा रिलेशन आपको समझ में आएगा। तो 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्लास 11 के 1 एंड 2, मैं आपको 3 पीरियड दूंगा, वही आपका होमवर्क रहेगा। और अब अगले वीक आपकी क्लास फिर से आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि अगले वीक में कब होगी ये आपका क्लास होगी, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ये आपको घर पे करना है। जो बच्चे, मैं फिर से बता दूं कि जो बच्चे अभी कोर्स ना लिए हो वो कोर्स ले ले, है ना, पीसीएस फाउंडेशन बैच का, हाँ पीसीएस फाउंडेशन बैच का कोर्स ले लें, बहुत ही इंटीग्रेटिंग वे में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी सारी क्लासेस यहाँ पे होंगी। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। टीम पूरी प्रयास करेगी कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाया जाए। अभी क्योंकि पहली क्लास में आपको अलग से क्वेश्चन आंसर राइटिंग नहीं करवाऊंगा ताकि आपकी एक समझ डेवलप हो जाए, आप भी प्रिपेयर हो जाओ, लेकिन अगली क्लास से मैं आपको आंसर राइटिंग भी दूंगा, आपको 30 वर्ड 50 वर्ड में लिख के देना भी होगा जैसे जैसे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, ताकि आप एकदम प्री में सब कुछ फोकस होकर, चलो फाउंडेशन है लेकिन आपकी पूरी जो राइटिंग स्किल है, जो आपका फैक्ट है, सब कुछ एक साथ क्लियर होता चला जाए। तो चलिए फिर इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।